देवी और सज्जनों, भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक देवी कालौकिक अद्भुत अद्वितीय अप्रतिम पबजी द मोबाइल की लाइव स्ट्रीम में, जहां हम कास्ट करने जा रहे हैं हाई पावर ई स्पोर्ट्स के T3 कस्टम्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, मजाक की बात नहीं है सही में। हाय विशेष चैन, हाय यार, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो यार, खाना खाया नहीं? खाया, बताने की जरूरत नहीं है, खा ही लिया होगा, भूखे तो रहोगे नहीं। हाय बीटी आरोपी, नितिन भेज, हाय, बोला क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया जैसे साहब, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हैं आप? मस्त, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आशुतोष सिंह, T10S आएगी नहीं भाई? T10 आशुतोष ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम बाय द वे, क्या हाल है? बाईस अभी मजा आएंगे ना विडु, बड़े दिन हो गए। या गाइस, स्ट्रीम पॉज हो गई थी, हम कराने गए थे। क्या हालचाल, अरे टैक्स गोरो गेमिंग ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, लास्ट में चिकन कर लिया आप तो? अरे कहाँ भाई, आज मना किया ना, चिकन नहीं कर रहा आज हम। हाय हेलो अनुज, स्ट्रीम पॉज है क्या? हाँ पॉज थी। हाँ हेलो भाई, हेलो मोटेक्स ब्रो, क्या हाल है, कैसे हो, किधर हो? हमारे ऊपर ही बैठते हो यार तुम तो, क्या पूछने वाली बात हो सुन। चार की वॉचिंग और दो लाइक, अरे यार बहुत ही ना इंसाफी गाइस, दबा के लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए।
या दो लाइक्स के लिए नहीं स्ट्रीम कर रहा हूं मैं। तो क्या है अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो अपनी मेहनत तो बर्बाद। हाँ सब लाइक करो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच मोटेक ब्रो। चिकन लेकर आए भाई लास्ट में तुम तो भाई, मना है ना अभी चिकन नहीं कर रहे हमारे मामा से। बोला तो सही यार, निकाल लेता नहीं तो मैं, ऐसा कोई सीन नहीं अपना क्या हमारे क्या थोड़ा यूएस का सीन हो गया था यार फाइनेंसर उठा के ले गया हमारी यूएस यार, किस्तें पूरी नहीं भरी थी हमने तो। ब्रो बाय, अब हूँ पढ़ाई करी रही है ब्रो। बिल्कुल पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, बाकी स्ट्रीम चलना तो पीछे तुम पढ़ाई करो। हेलो अनुज, ये तो महा मोबाइल छुड़ा ही लेगा घर वाला। घर वालों को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और स्ट्रीम देखें। अरे पढ़ाई वढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो और देश को संभालो। स्लॉट 9 जरा चेक दिखाओ, स्लॉट 9 में देखते हैं ब्रो आशुतोष ब्रो। तो भाई स्लॉट 9 की अगर मैं बात करूं तो उसमें बैठे हैं सीबीएक्स जेड ओपी। जी हाँ, सीबीएक्स नोफोर्स की टीम इधर बैठी हुई है और इधर ये डेड बॉय को देखिए आप, जरा नया नया खेलने आए हैं। नोफोर्स को अगर देखो तो 4:39 की खेड़ी भाई। पार्थ पांड्या एनएलटी NLT, पार्थ ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। भाई कैसे हो, क्या हाल है भाई के? शाम वाली चाय हुई नहीं हुई अभी? अरे अभी दिन स्लॉट 22 चिकन। हाँ भाई इसीलिए तो आप स्लॉट 22 में बैठ रहे थे आप। स्लॉट 22 का चिकन है तो भाई आज अमावस है यार, आरसी के टीम वाईटी ब्रो आज दूसरों को करने दो यार। गाइस मैच स्टार्ट हो गया, गाइस पाउडर दीजिएगा थोड़ा सा। म्यूजिक ऑफ कर, मार का है मैच, लॉबी में आ चुके हैं 42 जन और प्लेन पाथ अभी शुरू नहीं हुआ है और अपन स्प्रे कोट को देख रहे हैं। ये बंदा क्या ही स्प्रे मारता है वो पहले ही देख चुके थे हम, और उसका एक टीममेट भग्या मुझे लगता है, क्या सीन है भाई। एनएलटी स्लो डेट ओपी, अच्छा स्लो डेट में है क्या एनएलटी? ओके ये रे भाई फ्लैमैक्स ब्रो की टीम। जी हाँ तो पार्थ ब्रो बिल्कुल है एनएलटी, इधर गिरा दिया उनको भाई। भाई बहुत बुरा किया एनएलटी ब्रो के साथ, किसने किया ये? कौन था ये? जेल का बंदा था ये ZS भाई, बदला लीजिएगा आप। आपको नीचे कैसे गिराया इन्होंने, आपको ऊंचाइयों पे पहुंचने से रोका कैसे इन्होंने, मारेगा इन्हें आप। ओके ओके हाँ भाई पूरा बदला इंतकाम लीजिएगा। सो गाइस प्लेन पाथ की अगर मैं बात करूं तो इम्पाला से शुरू होते हुए इधर डेमार की तरफ जा रहा है वाल्डे डेमार। सो गाइस आर्थर गेटिंग वाईटी की टीम को भी समस्या नहीं होगी, उनके प्लेन पाथ उनके ऊपर से जा रहा है उनके ड्रॉप के। बाकी जिनको एल्पोजो एलेजर हसिंडा वसिंडा जाना है उनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें पहले लिफ्ट मांगनी पड़ेगी किसी से और गाड़ियाँ वाड़ियाँ उठानी पड़ेगी, फिर जाएंगे वो, इतने आसानी से जा नहीं पाएंगे वो। सबसे पहले जंप वाली टीम लेने वाली, जी हाँ जैसा कि हमने कहा था आरती गेटिंग वाईटी और उनकी टीम, उनके साथ साथ कौन जा रहा है भाई? विशेष के बंदे भी उधर ही जा रहे हैं, एमआरके की टीम भी उधर ही जा रही है, स्पाइडी की टीम भी उधर ही जा रही है, और ये कौन है अभी अभिरूप बंदी, जी हाँ ये भी उधर ही जाते दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। वहीं T4U CBX और SX के बंदे नीचे की तरफ जा रहे हैं, जी हाँ तो ये क्या नाम है पोर्टो परेसियो तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं लॉस लियोन्स में कोई स्क्वाड है नहीं है, यूनाइटेड के बंदे लॉस लियोन्स में ही दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, और XR और उनकी टीम तो भाई ला बेंडिटा से ऊपर की तरफ जाएगी, और क्या नाम है इसका FMG की टीम भी उसी तरफ से निकल रही है।
भाई एनटीएल के बंदों को देखते हैं अगर हम तो भाई एनटीएल के बंदे पिकार्डो जा रहे हैं भाई काफी बड़ी जगह, जी हाँ, लेकिन उनके अलावा कोई और आ भी रहा है कि नहीं क्या पता भाई। भाई लीजेंड एक्स की टीम को देखिए आप, चुम्मा शेरा से ऊपर की तरफ जा रही है बिल्कुल, और T4L के बंदे भी यहाँ चुम्मा शेरा ही जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। उसके अलावा अगर वाइल्ड सीड को देखो तो ये किधर जा रहे हैं भाई, लैडरीला तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके अलावा BBZ और FLQ के बंदे भी जा रहे हैं, टैक्स के बंदे भी उधर ही हैं, और इधर T4U के मोटैक्स को पिकअप कर लिया गया है। तो भाई इधर चले आते हैं अपन, मोटैक्स ब्रो यहाँ पर डाउन पड़े हुए हैं, जी हाँ, इनके टीममेट्स को गन मिली है नहीं मिली है, क्या इनको बचा पाएंगे इनके टीममेट्स, या फिर इनकी झुकी हुई कमर को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। मैं शेडो ब्रो को देखूंगा, आपने SKS लेकर यहाँ पर आ चुके हैं भाई, शुरुआत में तो इधर सीन हो जाता है यार, शुरुआत में तो थोड़ा ऊंचाइयों में हम आसमान की, ये शेडो ब्रो ने उठाई दिया भाई मोटेक्स ब्रो को, ये शेडो ब्रो की तरफ डार्क साइड बढ़ते हुए शॉर्ट स्ट्राइक किया, लेकिन थोड़ी सी HP बच गई है शेडो ब्रो की। अब शेडो ब्रो पे निगाहें हैं हमारी, क्योंकि उनके पास अस्कारल जरूर है, लेकिन डार्क साइड ने उन्हें छोड़ा नहीं है, तो डार्क साइड ने उनकी कमर झुका दी गई है और वो अपने घुटनों पे आ चुके हैं अपने दोनों पैरों से, उसके ऊपर शॉर्ट स्ट्राइक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। यहाँ तो नो फोर्स और उनकी टीम का भी काफी उम्दा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर नो फोर्स अपनी AKM लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन उनमें शॉटगन बूम बाम दे दी भाई इन्वेडर ब्रो की, काफी उम्दा शॉटगन हमने देख लिया यहाँ पर। और नीचे की तरफ से डार्क साइड आ रहे हैं, डार्क साइड के ऊपर एक शॉटगन ट्राई की है उन्होंने, कनेक्ट हुआ नहीं शॉट, दूसरा शॉट भी कनेक्ट नहीं हुआ, तीसरा शॉट यहाँ पर ट्राई किया था लेकिन उन्हें पिकअप कर लिया गया है, तो डार्क साइड ब्रो ने बचा तो लिया है थोड़ी देर के लिए, अपने टीममेट को रिवाइव देंगे यहाँ पर। जेड ओपी को अगर देखो तो इनकी भी AKM चल रही है और स्लेयर को भी पिकअप कर चुके हैं, तो भाई जेड ओपी की भी काफी बढ़िया AKM हमने देख लिया। मोर्टैक्स अकेले बचे अपनी टीम के लिए, इनकी HP काफी ज्यादा डैमेज है, और सबसे पहले नॉक होने वाला बंदा अभी भी यहाँ पर जिंदा है, इनके पास 5 बैंडेजेस और एक ड्रिंक जरूर है। अब देखते हैं किस तरह अपनी यहाँ पर खुद को हीलअप करते हैं। वहीं अगर मैं JLA के बंदों के अलावा भी बात करूँ तो T4 के बंदे भी इधर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, तो थर्ड पार्टी करने के मूड में तो ये भी होंगे। यहाँ पर डार्क साइड एक बूस्टर, जी हाँ, वो एड्रेनलिन सिरिंज यहाँ पर पूरी तरीके से पॉप अप कर चुके हैं। अब CBX नो फोर्स को अगर मैं देखूँ तो ये आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपनी AKM लेकर, देखते हैं ऊपर की तरफ जाने की हिम्मत करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर उनका मोर्टैक्स कर रहे हैं इंतजार। वही RTX के बंदे को BBZ के बंदे ने अपने ग्रेनेड से कर लिया पिक ऑफ, अब देखते हैं इनके भी क्या सीन होने वाले। तो CBX नो फोर्स ने अपने टीममेट्स को बुला लिया, और यहाँ पर DMR से कुछ शॉट स्ट्राइक किया था जी हाँ, तो CBX नो फोर्स यहाँ पर बचने में सफल हो गए और एक किलो और निकाल लिया अपनी टीम के लिए। तो इनकी टीम ने काफी आसानी से यहाँ पर T4U के बंदों को कर लिया पिक ऑफ, तो T4U का यहाँ पर काफी अर्ली एग्जिट हमें देखने को मिल गया है। मैं टीम नंबर 9 के बंदों को देखे, इनको थर्ड पार्टी करने की क्या बोलते हैं उसको, समय आ गया भाई थर्ड पार्टी करने का इनके लिए। वहीं RTX का एक बंदा यहाँ पर शहीद हो चुका है, BBZ के बंदों के साथ इनकी फाइट चल रही है। BBZ के डोरेमोन को अगर मैं देखूँ तो अपनी VSS लेकर यहाँ पर TPP ले रहे थे, और इनके पास VSS के अलावा दूसरी गन नहीं है क्या भाई, NLT को दिखाओ ब्रो, बिल्कुल NLT को दिखाएंगे। यहाँ पर BBZ वाइप गॉट यहाँ पर ओपन से निकल गए डोरेमोन के सामने से, लेकिन डोरेमोन ने यहाँ पर अपने गैजेट का यूज किया नहीं। वहीं अगर NLT के बंदों को देखो तो भाई ये तो आराम से पावर ग्रिड की तरफ रोटेशन रोटेशन डाल रहे हैं, गाड़ियों से अभी लूट करने गए हैं भाई, इनकी तो अभी कोई फाइट का सीन नहीं है, तो इनकी तरफ से तो कोई चिंता का विषय हमें देखने को मिलता नहीं। वहीं SX का एक बंदा, जी हाँ, T4 के बंदे यहाँ पर नॉक निकाल चुके हैं बिल्कुल। बोट को स्पेक्टेट करो, UX लूजर को स्पेक्टेट करो, बिल्कुल उनको करने वाले ब्रो। फिलहाल इधर T4 की फाइट चल पड़ी है, जी हाँ, तो CBX के बंदे भाई अभी अभी तो इनकी एक फाइट यहाँ पर खत्म हुई थी और वापस से फाइट शुरू हो गई है इनकी, तो ZOP को मैं देख रहा हूँ, ZOP यहाँ पर लेटे हुए। अब देखते हैं ZOP इस फ्लैंक का, ये जी हाँ, अपनी टीम से जो स्प्रेड हुए इस बात का कितना फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि भाई एक ही जगह पर अगर आपकी पूरी टीम रहती है उसका आपको भले लगता हो कि फायदा है, लेकिन भाई अगर स्प्लिट है तो उसका भी काफी फायदा हो जाता है, क्योंकि भाई बंदों का ध्यान हर जगह नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ पर T4 के बंदे के द्वारा यहाँ पर एक थ्रोएबल ट्राई किया गया, लेकिन डेड बॉय को उसका कोई खासा फर्क हमें दिखा नहीं है उनके ऊपर। और यहाँ पर ZOP भी अपनी लोकेशन रिवील कर चुके हैं, तो ZOP भी अब ज्यादा देर तक छुपे हुए नहीं है। वहीं नो फोर्स ने वहाँ पर एक नॉक निकाल लिया अपनी AKM से, अब देखते हैं यहाँ से ZOP आगे की तरफ बढ़ेंगे या नहीं। तो ZOP यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर M16 से शॉट ट्राई किए गए, लेकिन भाई दूसरे बंदे ने उन्हें पिकऑफ कर दिया। वहीं डेड बॉय को अगर मैं देखूँ तो डेड बॉय यहाँ पर अपनी Mini-14 से एक बंदे को पिकऑफ करेंगे, या तो डेड बॉय का काफी उम्दा है पर Mini-14 हम देख चुके हैं, और यहाँ पर अपनी AKM लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे नो फोर्स, और नो फोर्स ने क्या आसानी से यहाँ पर खात्मा किया भाई बंदों का, उम्दा भाई उम्दा, क्या ही बढ़िया खात्मा किया यहाँ पर। अब FLQ के गन को मैं देख रहा हूँ, यहाँ FLQ के गन अपनी AKM को लेकर यहाँ पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, और उनकी शायद इनकी टीम की फाइट हो गई थी कहीं ना कहीं। तो वहीं अगर मैं BBZ के शैडो को देखूँ तो अपने Win-94 से यहाँ पर शॉट ट्राई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, ड्रैगर को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, और उनके नीचे की तरफ से T3 का एक बंदा ऊपर तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब उस बंदे के साथ अब देखिए इनके गामा के बंदे, काफी इजी पिकअप था उनके लिए, तो गामा के बंदों ने यहाँ पर BBZ के बंदों को खत्म कर तो दिया है, लेकिन टैक्स के काकाशी अपने M4 6X मिल गई भाई बंदे को,
तो इस M4 6X से काफी ज्यादा उत्पाद मचाने के लिए आ रहे हैं बिल्कुल। वहीं अगर टीम यूएक्स के विशाल काफी उम्दा गेम, भाई कल 20 टीम किल्स यार, सहनक वाले मैच में क्या ही उम्दा खेली इनकी टीम, मजे कर दिए भाई। और ये कहाँ पर आए हुए हैं, एल हजर आए हुए हैं, और इनके पास अभी तो कोई नहीं है भाई, बंदे नोवा के बंदे इनसे काफी ज्यादा दूर दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। वहीं अगर आए D17 के बंदों को देखो तो अपनी मिराटो यहाँ पर काफी क्लोज से निकाल रहे हैं बंदों के, अब देखते हैं वो बंदे इन्हें कितनी तकलीफ देने वाले हैं। वहीं FMG के बंदे को देखो तो यहाँ पर अपने आए हुए तो हैं ये, और टीम 16 के बंदों पे इनकी नजरें हैं। वहीं आर्थिक रेटिंग YT अपने का 98 से निकाल चुके हैं एक नॉक, आर्थिक रेटिंग YT अपने स्कारे लेकर यहाँ पर तैनात दिखाई पड़ रहे हैं, और ये कार 98 अपने निकाल चुके हैं, एटेक्स उसका स्कोपिंग किया है, और आगे की तरफ इनके हैं जी हाँ टीम नंबर 21 के बंदे, जी हाँ, तो MRK के बंदे इनका इंतजार कर रहे हैं। तो भाई कार 98 वर्सेस कार 98 देखने को मिल सकता है फिलहाल, तो यहाँ पर रॉयल के ऊपर शॉट ट्राई कर रहे थे और आशु SOP के ऊपर भी शॉट ट्राई करेंगे, तो भाई ये कार 98 शॉट्स ट्राई कर किए जा रहे हैं इनके द्वारा। मैं टीम नंबर 23 के बंदों को देखूँ तो इधर से भी आर्थिक रेटिंग YT भी अपनी स्नाइपर चलाएंगे, तो यहाँ पर स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर देखने को मिल सकता है काफी जल्दी। और भाई इधर अगर मैं देखूँ तो टैक्स के आयुष गॉड के MNT के स्प्रे गोट के साथ यहाँ पर फाइट हो सकती है, जी हाँ, तो MNT के स्प्रे गोट काफी ज्यादा क्लोज है इनके, और अपने मिराडो लेकर वेयरहाउस साइड लूटने तो आए हैं, लेकिन भाई इन्हें क्या स्प्रे गोट की पोजीशन यहाँ पर पता है, स्प्रे गोट एक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं जी, अपने व्हीकल में बैठकर यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या ये आयुष गॉड के पास जाएंगे, जी हाँ, क्या इनके साथ आयुष गॉड के यहाँ पर फाइट होने वाली है। व्हीकल साउंड तो इनको बिल्कुल आ ही गया होगा इनके बगल से जो निकल रहा है, अब उस व्हीकल को देखते हैं कितनी तकलीफ देने वाले हैं यहाँ पर आयुष गॉड, देखने वाली बात रहेगी। इनके दूसरे कंधे पर तो M24 लगी हुई है, लेकिन पहले कंधे पर है इनके स्कारेल, और इनकी M24 में भाई एडेक्स लगा था, स्कोप अगर मिल जाए आपको स्नाइपर में मीरामार में तो काफी बढ़िया काम हो जाना है। इसके अलावा किसकी हम बात करें भाई, आर्थिक यहाँ पर स्नाइपर फाइट चल रही थी, अपने स्कारेल लेकर आगे बढ़ रहे हैं जी हाँ, और इनका 3D X-ray आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ विशेष गेमिंग पे मिलेगा आपको ये, और उसके अलावा अपने इस कार्य लेकर आगे बढ़ तो रहे हैं, और ये अपनी मिनी बस में बैठेंगे जी हाँ, ये वही बस है जिसमें बैठकर सलमोन भाई अपने ABCDEFGHI कर रहे थे जी हाँ, और ABCDEFGHI में इतने मगन हो गए वो कि उनका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था भाई स्टेयरिंग का। वहीं अगर मैं FMG के बंदों की बात करूँ तो FMG के बंदे अपनी कौन सी गन है ये, अबे AKM है और एक और कौन सी है भाई यार, दूसरी वाली M4 ही दिखाई पड़ रही है मुझे तो इतनी अच्छी गन जिन बंदों को मिल जाती है बड़े किस्मत वाले होते हैं भाई वो बंदे। तो टीम से जी हाँ 16 के बंदों को यहाँ पर स्पॉट काट चुके हैं टीम नंबर 17 के वायरस, जी हाँ, तो वायरस अब देखते हैं इनको कितना बड़ा एंटीडोट देने वाले हैं DHD के आदि OP को, देखने वाली बात रहने वाली है। यहाँ पर प्रोन वैन फायर करने की कोशिश करेंगे जो कि काफी सही तरीका है लंबे स्प्रे देने के लिए, सबसे सेफ और सबसे बढ़िया जिसको बोलते हैं सुविधाजनक, बिल्कुल सुविधाजनक तरीका गाइस वो। और अगर मैं MNT के स्प्रे गोट को देखूँ तो इनके पास से काफी रोटेशन अपने को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो अपने रोटेशन पे पूरा फोकस किए हुए हैं बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं है भाई, लेना देना नहीं है किसी टीम से, भाई तुम डालो अपने रोटेशन, मैं भी अपने रोटेशन डालूंगा। और भाई आप देखिए एक बार पूरी टीम से इधर ग्रेवयार्ड और इसके आसपास इकट्ठी हो रही है, कोई टीम दूसरी जगह कहीं स्प्लिट नहीं है। उसके अलावा किस टीम की हो सकती है क्या फाइट, अपन भाई नोवा के पास कौन सी टीम है ये अपनी, जी हाँ टीम UX के बंदों को देख रहे हैं आप, टीम UX के बंदे अपनी AKM लेकर बैठे हुए हैं, देखते हैं इनके किसी के साथ शायद फाइट हो जाए। भाई तोता परी ड्रेस पहन के आए हैं यहाँ पर रेक्टो, जी हाँ, तो रेक्टो अपनी टीम को लेकर देखते हैं टीम नंबर 19 के साथ भिड़ने वाले हैं या नहीं, किधर है भाई इनकी टीम, भाई इनकी टीम समझ में नहीं आ रही मुझे किधर है। इधर डेल्टा को अगर मैं देखूँ तो स्कारल लेकर बैठे हुए हैं जी हाँ, तो इनके पास स्कारल बिल्कुल मिल चुकी है, और कहाँ पर है एल अजहर, जी हाँ, तो एल अजहर में है ये बिल्कुल, और जोन शिफ्ट आप देखिए हसिंडा में जोन शिफ्ट ले चुका अपना वो सारी टीम्स के लिए कोई हार्ड शिफ्ट देखने को नहीं मिल रहा है। FLQ के मशरूम को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया गया, वाइल्ड सीड को यहाँ पर गाड़ी ब्लास्ट करके उन्हें नॉक कर दिया गया है, तो वाइल्ड सीड को यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना यहाँ पर करने को मिलने वाला है, क्योंकि CID के मोजा और इनकी फाइट होने वाली है, और ये हम कहाँ चले गए भाई, ये कहाँ आ गए थे हम, तो भाई CID के मोजा आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, और ये स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी बंदों को, लेकिन भाई बाकी बंदे तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं यहाँ से। और अगर मैं इन्हीं के टीममेट मशरूम को देखो तो यहाँ पर पूरा फिनिश डाल देंगे सीट को, तो सीट यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। उसके अलावा गाइस किसी की फाइट है क्या, इधर आते हैं भाई FMG का बंदा DHD के आदि OP को पिकअप कर चुका है, वहीं BRT के चेस YT की यहाँ पर फाइट चल रही है जी, या तो MNT के स्प्रे कोट से इनकी चल रही है फाइट, तो MNT के स्प्रे कोट की नजरों से देखे अगर हम तो ये क्या ये ओ भाई ओए, जी हाँ, तो FK के क्लच गॉड ने इन्हें खत्म कर दिया है, कुछ कोशिश की जा रही थी इनकी तरफ से लेकिन भाई खात्मा।
और प्ले जोन से कुछ बंदे जा रहे हैं सीआईडी के मोजा, फिर से एक मकमक निकाल चुके जिया, सीआईडी के मोजा की तरफ फिर से चले चलते हैं बंदे। और ये बाकी लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिया एनएलटी के बंदे और एल लेजेंड एक्स के बाकी बैठे बैठे यहाँ पर बिल्ला के ऊपर शॉट ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं भाई क्या यहाँ पर उतर के बंदे को गिराएंगे या फिर अपना रोटेशन पे फोकस रखेंगे। जी हाँ रोटेशन पे फोकस रख रहे हैं वो, आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। और इधर देखूं मैं अगर गोडेक्स के लेबोन को तो यहाँ पर बैठे हुए और इनके पास लगता है राश हो गया है। जी हाँ तो भाई अपनी एसएलआर लेकर फाइट ले रहे भाई, क्या इनके ऑटोगन में एमो नहीं थी या फिर ये चाहते थे कि 4 PM के बंदे ने बड़ी ही आसानी के साथ खत्म कर दे। वो तो भाई यूं भी करते थे, आप चिंता क्यों कर रहे थे उनके लिए। डीजे के आदि ओपी भाई इनको तो अभी नॉक करने की खबर आई थी और खुद नॉक हो गए हैं। अब इनके टीममेट्स को एक बार हम अगर देखें तो इनके टीममेट्स तो काफी दूर से आ रहे हैं भाई व्हीकल पकड़ के। भाई उन्हीं के व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा मैं। D17 का फ्रैग यहाँ पर बिना हेलमेट के अपने M16 लेकर आगे बढ़ रहा है और इनके राइट की तरफ टीम नंबर 12 का बंदा आपको मिलने वाला है। जी हाँ खा गया भाई, वो तो बिना चटनी के खा गया भाई इनको। तो भाई टीम नंबर 12 के बंदे काफी ज्यादा स्प्लिट थे, काफी इजी इनके लिए, एक डुओ खाना आसान हो गया इनके लिए। तो और किसकी मैं करूं बात भाई, किधर चल रही है फाइट देखने वाली बात रहेगी। इधर वाटर ट्रीटमेंट की तरफ तक पहुंच गए एनएलटी के बंदे, तो भाई उस तरफ कोई भीड़ थी नहीं, तो भाई उधर जाके पहले जगह होल्ड करना काफी बढ़िया वाला डिसीजन मुझे लगा इनका। मैं टीम नंबर 21 के बंदों को देखूं तो यहाँ पर अपनी मिनी बस लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इनका आप एक बार रोटेशन देखिए भाई, इम्पाला से होकर आए हैं, मतलब आर्थिक वाइटी ने जहाँ जंप ली थी वहीं से, तो भाई इधर किधर मीनास होते हुए जंक यार्ड होते हुए इधर तक आ गए हैं और आगे जा रहा है इनका रोटेशन अभी भी और आगे जा रहा है गाइस। और इधर डेल्टा को देखूं तो अपनी बाइक लेकर यहाँ पर तैनात है और इनके अलावा भी यहाँ पर कुछ बंदे हैं और इनके ऊपर शॉट ट्राई किए गए हैं। तो भाई डेल्टा के बंदों के ऊपर शॉट ट्राई किए गए एमआरके के बीस्ट के, और एमआरके के बीस्ट अपने M4 लेकर यहाँ पर तैनात बैठे हुए हैं और इनके आगे है टीम नंबर 22 के बंदे। और वहीं नोवा ब्लास्ट को भी देखना चाहूंगा, नोवा ब्लास्ट अपनी SK-66 लेकर बैठे हुए और 66 SKS में एड्रेस करने की क्या जरूरत है भाई। अरे डेल्टा ऊपर नीचे आगे पीछे क्यों हो रहे हैं भाई। और आरटीएक्स के एक बंदे को पिक ऑफ कर लिया गया जी आज एसएलआर से जी, तो मैं आरटीएक्स के बंदे को देखना चाहूंगा। किधर मिलते हैं आरटीएक्स के बंदे, भाई तो वेडर को मैं देखना चाहूंगा। वेडर यहाँ पर अपने टीममेट विकी ओपी के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, और रेफेल क्यू के बंदे इनके आगे एक तरफ है और वो बंदे अपने व्हीकल व्हीकल लेकर निकल रहे हैं जी। तो रेफेल क्यू के बंदे अपनी मिनी बस लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। और इनके लेफ्ट की तरफ है डार्क जी हाँ, तो डार्क एक्स को अगर मैं देखूँ ना डार्टेक्स है भाई ये, तो डार्टेक्स, तो डार्टेक्स अपनी बगी लेकर देखते हैं किस तरफ बढ़ने वाले हैं जी हाँ। तो मुझे लगता है बढ़ने ही वाले हैं। तो भाई अपन एमआरके के बंदों को देख लेते हैं जी हाँ। तो क्या नाम है इनका, अभिरूप, अभिरूप बंदे यहाँ पर देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कारनामा करने वाले हैं। इनके कंधों पर AKM और M4 के साथ साथ अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करने की जिम्मेदारी भी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं नोवा ब्लास्ट को, इनके आगे की तरफ नोवा ब्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं और ये अपने M4 के 40 गोले लेकर देखते हैं क्या कारनामा करने वाले हैं। से देखने वाली बात रहने वाली है। भाई और किसी की चल रही है क्या फाइट, है कोई फाइट लेने वाला। FLQ के मशरूम को मैं देखना चाहूंगा, इनके काफी क्लोज एक बंदा अपने व्हीकल विशेष को तो को भी दिखाओ, दिखा दो भाई विशेष के बंदों की फाइट तो होने तो दिखा देंगे, उनका भी दिक्कत की तरह आ रही है। और भाई FLQ के मशरूम को देखिए अपन अपने इधर बंदों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इधर जी हाँ। डार्टेक्स, डार्टेक्स इनके काफी क्लोज पहुंच चुके हैं अपने स्कारे लेकर भाई, अकेले बंदे के 4 किल है अपनी टीम के लिए, 4 किल निकाल चुका है तो काफी किल काउंट इनकी टीम के लिए तैयार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अकेले बचे M43X CID के मोजा को स्पॉट कर चुके हैं, देखते हैं कितनी देर में अपने शॉट स्ट्राइक करने वाले। अगर मोजा यहाँ पर ज्यादा ओपन में आए तो बिल्कुल पूरा नॉक फिनिश डालने का इनका प्लान रहेगा। तो डार्टेक्स पर हमारी पूरी नजरें, CID और FLQ के बंदों की तरफ इनकी नजरें, और FLQ के बंदों की क्या पता कितने तरह नजरें। और देखते हैं यहाँ पर मोजा जैसे ही बस में बैठेंगे टपा टप देने वाले हैं, प्रोन एंड शॉट उम्दा भाई साहब, स्ट्रैटेजी तो अच्छी थी, शॉट्स कनेक्ट भी हुए, पिकअप भी कर लिया गया है, काफी बढ़िया उम्दा गेम दिखाते हुए यहाँ पर डार्टेक्स। यहाँ पर पिकअप कर चुके हैं CID के उस बंदे को। अब FLQ के बंदे देखते हैं अपने टीममेट को रिवाइव दे पाते नहीं दे पाते, और गन के ऊपर भी शॉट ले चुके हैं। अब इन्हें यहाँ से बग्गी लेके निकलना चाहिए या फिर अगर रश भी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि 1:15 है और अगर आप 1v3 करने का मादा रखते हो तो आप घुस जाइए, क्योंकि एक नॉक आप दे चुके हैं जी। नहीं उन्होंने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है यहाँ से, तो जी हाँ आगे एक तरफ जाके करेंगे जो भी करना है उन्हें। और FMG के बंदों को देखो तो अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, और FMG के बंदों के बगल से यहाँ पर शॉट्स के भी साउंड आए। और ये क्या आज ग्राफिक्स क्यों नहीं लोड हो रहे भाई साहब।
भाई साहब ग्राफिक्स लोड नहीं हो रहे, तो भाई एफएमजी के इस बंदे के ऊपर काफी शॉट ट्राई किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो इनके ऊपर ये जो शॉट्स आ रहे हैं उसके लिए कवर में ये चले गए हैं घर के अंदर। और टीम नंबर 19 के बंदों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो भाई टीम नंबर 19 के बंदे को हम देख रहे हैं AKM लेके बैठे हैं और एम्बो, और दूसरे कंधे पर इनके M416 दिखाई पड़ रही है मुझे, और इस घर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं ताकि यहाँ से ऊपर से कुछ बड़े एंगल बन पाए, और इनके ऊपर रश होते देख सकता हूँ मैं बिल्कुल। तो टीम नंबर 12 के बंदे यहाँ पर इनके ऊपर रश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो टीम नंबर 19 और टीम नंबर 12 की ये जो फाइट है, देखने वाली बात है किस क्या अंजाम आता है निकलता है इस फाइट का। थ्रोएबल्स का साउंड आया है रेमबो के पास से, थ्रोएबल यहाँ पर ट्राई किए जा रहे हैं दोनों टीम्स के द्वारा। आप देखते हैं कौन सी टीम यहाँ से पहले ओपनिंग निकालती है, पहला नॉक निकाल के हावी होने की कोशिश करती है। सो गाइज, टीम नंबर 19 और टीम नंबर 12 की ये जो फाइट होने वाली है, देखने वाली बात है कौन सी टीम यहाँ से वो फाइट निकालेगी। क्या हो गए वो टीम नंबर 12 के बंदे, ये जो तीन जन है यहाँ पे, टीम नंबर 19 के वो चार जन, 3v4 की फाइट। भाई आयुष गॉड को वहाँ पर पिकअप कर लिया गया है। जी हाँ, तो गौरव ब्रो को मैं देखूंगा, गौरव ब्रो अपने SLR से शॉट लेते ट्राई कर रहे हैं। जी हाँ, MRK के बंदों के ऊपर इनके शॉट जा रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पर MRK के बंदों ने इन्हें भी पिकअप कर लिया है। तो भाई गौरव और आयुष गॉड दोनों यहाँ पर मुझे एक खतरे में दिखाई पड़ रहे हैं, और इनके टीममेट्स किधर भाई, किधर है भाई इनके टीममेट्स? इधर देखिए, काका जी तो काफी दूर है भाई, काफी ज्यादा दूर है अपने टीममेट से। चलो अपन वापस से स्पाइडी और इनकी तरफ चले चलते हैं। हाँ जी हाँ, तो अपने स्पाइडी को देख रहे हैं हम। स्पाइडी नोवा के टीम नंबर 19 के टीम नंबर 12 के बंदे के ऊपर इनकी नजर है। अपने AKM रेड डॉट से यहाँ पर स्पॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, प्री फायर दिए कुछ शॉट्स हुए कनेक्ट। अब देखते हैं उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, FMG के उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, यहाँ पर बैंडेजेस अप्लाई करते दिखाई पड़ रहे हैं। ब्लास्ट के ऊपर इन्होंने शॉट ट्राई किया है, ब्लास्ट को यहाँ पर पिकअप कर सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ थ्रोएबल आया, वो काफी ज्यादा डैमेज दे चुका है और काफी इनकी स्टेबिलिटी खत्म कर चुका है, और ये ग्रेनेड से पिकअप हो चुके। काफी उम्दा ग्रेनेड यहाँ पर देखने को मिला हमें। और टीम नंबर 19 की तरफ, टीम नंबर 12 का एक दूसरा बंदा बढ़ेगा क्या? क्या ये बंदा आगे जाके अपने टीममेट ने जो नॉक किया उसका पूरा फायदा उठाएगा, या फिर अपने टीममेट को रिवाइव देने जाएगा? भाई दोनों कामों में से एक काम तो इन्हें कर लेना चाहिए भाई, जल्दी से डिसीजन मेकिंग इन्हें करनी पड़ेगी। और गौरव को यहाँ पर पैन कर दिया गया बीस्ट के द्वारा, और यहाँ पर स्मोक डाल के अपने टीममेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने टीममेट को खड़ा कर ले यहाँ से, वो तो काफी बढ़िया बात हो जाने वाली है। तो सो गाइस, यहाँ पर स्मोक डाल चुके हैं वो, अब देखते हैं अपने टीममेट्स को रिवाइव देने में सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते। दो स्मोक डाल चुके हैं तो भाई खुद के लिए पाथ बना चुके हैं। रैम्बो की पूरी नजरें होगी इनके ऊपर, तो भाई रैम्बो का ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेता मैं। रैम्बो अपनी AKM लेकर तैनात बैठे हुए हैं, उन्हें वो इंतजार में कि कब वो टीम नंबर 12 का बंदा अपने टीममेट को रिवाइव देने जाए, और ये ओपन में उन्हें स्प्रे दे स्प्रे दे और काफी रैंडम स्प्रे इन्होंने दे दिया टीम नंबर 12 का। वो बंदा अपने टीममेट्स को रिवाइव देने पहुंच तो गया है, लेकिन नोवा स्पाइडी को मैं देखना चाहूंगा। जी या तो ये दूसरे एंगल से गए हैं भाई, L Legend X अब खुद को ही ब्लास्ट कर चुके भाई, क्या बात हो गई है। वही रैम्बो भी पहुंच चुके हैं काफी ज्यादा क्लोज उन बंदों के, रैम्बो को यहाँ पर पिकअप कर लिया गया। तो टीम नंबर 12 के बंदे यहाँ पर कुछ कारनामा करेंगे क्या यहाँ पर? भाई काफी कम है HP, इनकी स्पाइडी इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, अब देखते हैं इनकी क्या सीन होने वाले। जी हाँ, एक बंदे को पिकअप नहीं कर पाए, वो बंदा फिस्ट कर रहा था भाई, भाई बंदे के अलग नशे चल रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई NTL कौन सी टीम थी अपनी, वो टीम नंबर 8, टीम नंबर 8 का एक बंदा खुद को ग्रेनेड डाल चुका है। जी लीजेंड एक्स को मैं देखना चाहूंगा, खुद को ग्रेनेड क्यों डाल चुके हैं भाई, और इनकी तरफ बंदे गाड़िया वाड़िया लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, टीम UX के बंदे इन्हें छोड़ने नहीं वाले भाई। रेक्टोपी को मैं देखना चाहूंगा, जी हाँ, तो रेक्टो को देख रहा हूँ मैं, आगे तक बढ़ रहे हैं टीम नंबर 8 के साथ इनकी फाइट होने वाले। टीम नंबर 8 के बंदे इनकी मिनी बस पर काफी ज्यादा चोट लेते दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनकी यहाँ पर भिड़ंत हो चुकी है। रेक्टोपी को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया गया यहाँ पर। अब अगर मैं देखूँ तो भाई इनके ऊपर क्या चार्जिंग करेंगे फ्रोस्ट, क्या यहाँ पर टीम नंबर 8 की तरफ से फ्रोस्ट आगे की तरफ चार्जिंग करेंगे? उनके टीममेट लीजेंड तो भाई नॉक हुए पड़े हैं उधर, वहीं इन्हीं के टीममेट दैव ये भी काफी ज्यादा स्प्लिट दिखाई पड़ रहा है मुझे। तो रेक्टो को देख रहा हूँ मैं, विशियस, तो भाई फ्रोस्ट को मैं देखूंगा। फ्रोस्ट की तरफ यहाँ पर रेक्टो बढ़ते तो हुए दिखाई पड़ रहा है। फ्रोस्ट यहाँ पर एक अंदर की तरफ पार्क्ड व्हीकल के पास है, और देखते हैं इनके साथ इनकी कैसी सीन होने वाले, क्या फाइट होगी। अपनी टीम का बैकअप उन्होंने मंगा लिया है, उसके बाद अब शायद आगे की तरफ चार्जिंग करें। तो टीम नंबर 15 और टीम नंबर 8 की जो फाइट है, देखने वाली बात रहे कि इस फाइट का क्या अंजाम होने वाला है। वहीं लीजेंड एक्स को खत्म कर दिया गया है, और BRD चेज YT को पिकअप कर लिया है, काकाशी ने वहाँ पर रॉयल को कर लिया पिकअप, और यहाँ पर पेन किलर लगाते हुए दिखाई पड़ रहा है मुझे टीम नंबर 8 के बंदे ये। और देव को मैं देख रहा हूँ, देव आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इनकी फाइट होने वाली है। जी हाँ, टीम नंबर 15 के बंदों के साथ, टीम नंबर 15 के बंदों से इनकी फाइट होनी पक्की है, क्योंकि भाई रेक्टोपी इनके काफी क्लोज है भाई। अब देखते हैं रेक्टोपी क्या कारनामा करने वाले हैं यहाँ से, या फिर रेक्टोपी को स्पॉट इन नहीं कर पाए भाई देव ब्रो, लेकिन इन्हें रेक्टोपी यहाँ पर एक बंदे को नॉक करके फ्रोस्ट ने उन्हें पिकअप कर लिया। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, अब इधर कुछ सीन होने नहीं वाला। तो भाई टीम नंबर 5 के बंदे यहाँ पर एक दूसरे को रिवाइव देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। वहीं अगर मैं बात करूँ किसी और टीम की, जी हाँ, विशियस के बंदों को अगर मैं देखूँ एक पल के लिए, तो XR के बंदों के ऊपर Win94 से यहाँ पर शॉट ट्राई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं ZOP यहाँ पर जोन से निकल गए, और यहाँ पर भाई शॉट्स Win94 से ट्राई किए जा रहे हैं, तो भाई लूट के गरीबी है लगता है मुझे। और यहाँ पर रॉर अपने AWM लेकर तैनात बैठे हुए हैं,
किंग अपने मिनी 14 से शॉट्स ले रहे हैं और टीम नंबर 77 के बंदों के ऊपर यहाँ पर M4 6 6 देते हुए विशेष किंग, देखते हैं उन बंदों को कितनी तकलीफ देने वाले हैं। जी हाँ, वो बंदे नॉक तो पड़े हैं कुछ बंदे उधर, देखते हैं उन बंदों के क्या सीन होने वाले हैं, देखने वाली बात रहने वाली है। टीम नंबर 15 के, जी हाँ यहाँ पर 0 OP अलग अकेले बचे हुए हैं, देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करने वाले हैं। फ्रोस्ट को ये देख सकते हैं, जी आप फ्रोस्ट को यहाँ से पिकअप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, इन्हें कुछ शॉट्स तो ट्राई करने चाहिए थे। फ्लेम की तरफ इनकी नजर है क्या, फ्रोस्ट की तरफ गए, फ्रोस्ट को यहाँ पर खत्म कर दिया गया किसी ने। जी हाँ, तो फ्रोस्ट को यहाँ पर क्लच गॉड ने खत्म कर दिया है और क्लच गॉड यहाँ पर फ्रोस्ट को पिकअप कर चुके हैं। और यहाँ पर इनके लेफ्ट की तरफ बिल्ला है, जी हाँ, तो बिल्ला के साथ इनकी फाइट होने वाली है और इनका पर शॉट आते हैं और काफी आसानी से एफ के क्लच गॉड ने इन्हें खत्म कर दिया। भाई साहब चलो इधर चलते, काकाशी को मैं देख रहा हूँ, काकाशी यहाँ पर अपने M4 लेकर बैठे हुए हैं, रॉयल को देखते हैं। चलो तो भाई रॉयल को मैं देख रहा हूँ जिस तरह की रीपर ओपी को देख रहा हूँ, ग्रेनेड अपना लेकर हाथ में इधर आए हुए हैं असिंडा के मेन कंपाउंड में और आगे एक तरफ बढ़ रहे हैं। और इधर आर्थिक रेटिंग वाइटी इन्हीं के टीम में यहाँ पर एक नॉक निकाल चुके हैं, आर्थिक रेटिंग वाइटी अपने M4 3X की बौछार देते हुए। जी हाँ, और उधर XC के ध्रुव को पिकअप कर लिया गया T4L के बंदों के द्वारा, T4L के बंदों को देखेंगे। MRK के 20 ने एक नॉक निकाल लिया है, MRK के 20 यहाँ पर अपने M4 6X से काफी ज्यादा प्रहार करते हुए विशेष रोर को पिकअप कर लेंगे, तो अपने जो पोजीशन थी उनकी काफी ज्यादा यहाँ पर उसका फायदा उठाते हुए विशेष ध्रुव के ऊपर भी शॉट्स ले रहे हैं। अब देखते हैं इनका क्या सीन होने वाला। वहीं XR के बंदे यहाँ पर, जी हाँ XR के बंदे इस बात का फायदा उठा चुके हैं, तो MRK के 20 काफी बढ़िया किल कलेक्ट करके ले गए हैं यहाँ से। इनका डू अब देखते हैं ऐसे क्या सीन करने वाला है। और आगे एक तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर MRK के 20, इनके आगे एक तरफ इनको आशु एक सोपी मिलने वाले हैं। आशु एक सोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगा आशु एक सोपी क्या इन्हें स्पॉट कर चुके हैं। जी आप अपने M4 देख सकते हैं, आशु एक सोपी के लिए काफी इजी काम होने वाला था यहाँ पर, लेकिन भाई 20 भी जोन से निकल लिए आशु एक सोपी को पिकअप करने के बाद। और 4 PM के रॉयल को यहाँ पर खत्म कर चुके हैं अपने काकाशी, तो भाई काकाशी काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है आज 4 PM के बंदों को। और यहाँ पर डेड कोइल का यहाँ पर एक ग्रेनेड जाते हुए, और ये ग्रेनेड का भाई कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से तो। जी हाँ, क्योंकि रीपर ओपी उस वाले स्मोक में नहीं थे, आगे वाले स्मोक में थे, और यहाँ पर रीपर ओपी कुछ स्मोक डाल रहे हैं। और आशुक ओपी को यहाँ पर क्लच गॉड ने खत्म किया है, आर्थिक रेटिंग वाइटी को, वेव को यहाँ पर खत्म किया गया है। और रीपर ओपी की तरफ कंटिन्यूस थ्रोएबल डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे टैक्स के बंदे। वहीं इसके अलावा कौन सी टीम की बात की जाए, FLQ के बंदे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनके राइट की तरफ एक स्क्वाड है। जी हाँ, किसी को किडनी चाहिए क्या? तो भाई FLQ के आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, FLQ के बंदों के आगे एक तरफ एक टीम दिखाई देखने को मिलती है, ले लो यार। और टीम नंबर 10 के बंदों के साथ इनकी फाइट चलते हुए, जी हाँ, तो टीम नंबर 10 के बंदों की तरफ हम बढ़ते हुए देखेंगे। जी हाँ, तो विकी ओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, विकी ओपी यहाँ पर अपने M4 लेकर तैनात बैठे हुए और ये अपने M4 से रैंडम शॉट स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन भाई उस चपेट में कोई आया नहीं और इनके ऊपर भी कुछ शॉट स्ट्राइक किए गए, जरूरत है पैसों की। और FLQ के बंदों के साथ यहाँ पर विकी ओपी अकेले बैठे हुए, तो भाई ये बंदा अकेले क्या कर पाता। तो भाई RTX के FLQ के बंदे यहाँ पर खत्म कर चुके विकी ओपी को। और अगर इधर गोडेस बिल्ला को देखो तो CID के मोजा की तरफ इनकी नजरें हैं, उनके ऊपर जाते हुए इनके M4 6X स्प्रे, क्यों डिवाइस दे दो यार फिर। और मोजा को यहाँ पिकअप कर लिया गया, मोजा को पिकअप नहीं किया गया, मोजा जोन से ठिल गए। और मशरूम के ऊपर शॉट स्ट्राइक कर रहे हैं, मशरूम पे कुछ शॉट स्ट्राइक किए बिल्ला ने यहाँ पर, और फिर डैमेज देव अंदर आओ करने लग गए। उसके अलावा अगर टीम नंबर 7 के बंदों को देखो तो उनके ऊपर भी शॉट स्ट्राइक करेंगे। जी हाँ, चलो फाइनली किसी को पिकअप किया यहाँ पर बिल्ला ने, बिल्ला ने अपनी M4 3X यहाँ पर XR के बंदों को पिकअप कर लिया और XR के बंदों के सिर के ऊपर से यहाँ पर कुछ थ्रोएबल आया है। जी, और बैने यहाँ पर अंदर की तरफ जाके मेरा डिवाइस ले ले और यहाँ पर रिवाइज देने जा रहे हैं, लेकिन भाई गोडेस बिल्ला देखते हैं आगे एक तरफ किस तरह चार्जिंग करने वाले हैं, क्या वो अपने लिए 2 किल निकालने वाले हैं। और गोडेस बिल्ला के कितने टीममेट बचे भाई, एक और बचा है ले ले। और ये देखिए थ्रोएबल इनका जाते हुए, धूमता ना तगेर तगेर ना भाई, कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, लोग होता है लास्ट में भाई, लेग होता है लास्ट में। और ये देखिए मैं FK क्लच गॉड को देखूंगा अपने हाइट एडवांटेज का कितना फायदा उठाने वाले हैं। जी हाँ, तो FLQ के गन के ऊपर काफी ज्यादा शॉट स्ट्राइक कर रहे हैं अपने M4 6X से, तो जी हाँ अपने हाइट का तो पूरा फायदा उठाते दिखाई पड़ रहा है मुझे FK क्लच गॉड। और अब वहां से ऊपर नीचे की तरफ आते हुए अब देखते हैं राइट की तरफ से फ्लैंक मारने के काफी बढ़िया डिसीजन इनका, क्योंकि लेफ्ट की तरफ से इनका टीममेट कारभार संभाल रहा है उस तरफ से, तो जी हाँ बिल्ला उनकी तरफ से फायदा उठाएगा उस जगह का भी। और भाई सबसे सही जगह है यहाँ पर FK क्लच गॉड के पास, यहाँ से काफी बढ़िया यहाँ पर किल निकाल सकते हैं। बाय 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 ध्रुव बस। और ये मैं देख रहा हूँ कुछ सप्रेस्ड गन के साउंड आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर FK क्लच गॉड आगे की तरफ बढ़ रहे, जोन में ये पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं, दैट्स माय सीक्रेट, माय फोन इज ऑलवेज लैग्ड। और FLQ के गन की यहाँ पर फाइट हो गई थी T4L के बंदे के, और FK क्लच गॉड T4L के उस बंदे को खत्म करेगा, तो अब यहाँ से 2 टीम्स बची हैं,
टीम नंबर सेवन और टीम नंबर फाइव, टू वी टू की सिचुएशन देखने वाली बात है, कौन सी टीम यहाँ से चिकन निकालने वाली है, क्या वो होंगे एक्सआर के बंदे? भाई एक्सआर के बंदों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो भरा काम है यहाँ पर, क्योंकि भाई जोन के अंदर तरफ आ रहे हैं और ये पवन को मैं जोन से ढीलते हुए देख सकता हूँ। पवन को भाई इजी पिकऑफ है भाई, क्यों नहीं मारा पा रहे पवन को, पवन खत्म। तो भाई एफ के क्लच गॉड यहाँ पर दो किल आखिरी में और निकाल गए अपनी टीम के लिए। तो भाई गोटेस के बंदे यहाँ पर काफी बढ़िया चिकन निकाल चुके हैं, क्लच गॉड के छह किल्स और छह चार दस ग्यारह किल्स के साथ यहाँ पर टीम की टीम ने निकाल लिया चिकन। एक्सआर के बंदे निकाल चुके जान लेगा 3 GB। एक्सआर के बंदे यहाँ पर सेकंड पोजीशन निकाल चुके, थर्ड पोजीशन निकाल चुके, फोर्थ पोजीशन निकाली है एफएलक्यू के बंदों ने। तो भाई काफी उम्दा मेरा मार का गेम हमें देखने को मिला है। गोडेस के बंदों ने काफी बढ़िया फायदा उठाया, जो कंपाउंड उन्होंने पकड़ रखा था, जो हाइट थी उनके पास, भाई हाइट एडवांटेज का फायदा तो बिल्कुल आपको मिल रहा है लास्ट जोन में। तो काफी बढ़िया किल्स भी हो गए वहां से उनके, और काफी बढ़िया गेम देखने को मिल गया हमें। तो भाई इतना बढ़िया गेम, भाई गहरा वॉचिंग 10 लाइक, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? गाइस टीडीएम खेलते हैं अपन, नहीं टीडीएम नहीं, जख्म हरे भरे और तुम आगे नहीं आता मेरे को। गाइस पाउडर दीजिएगा थोड़ा सा। ओ गाइस गाइस जाइए पाउडर ले आइए भाई, क्विक वेंच में भी ऐसा मौसम आ जाए तो क्या कीजिएगा आप? गाइस ऑल वेपन्स का है मैच, अच्छा वो आइटम हेवन नहीं है भाई, हाई हेवन से आइटम लोग मंगाते हैं। वन डे यू बिकम अ ग्रेट सिंगर लाइक टोनी कक्कड़, मीम मटेरियल। वो भिंडी शॉट कर ले लिया, हवा में मत मार रहे, करे क्या भिंडी शोर, घुस जाने देता अंदर। ये क्यों अपनी शक्ल बना रहा है मोहित? ये मैं तो बच जाऊंगा। बैग में घूम गया था भाई बुलेट्स। ओहो गौरव ब्रो डाउन, हैकर बोलते भाई देखो मैं हैकर नहीं हूं, कंट्रोवर्सी करते हैं गाइस, कंट्रोवर्सी ओपी।
रहा है रे, क्या क्या बोल गया मोहित भाई। ऐसे ही बचपन से बैठा बैठे गन एमओ हेल गु की स्पिनिंग गु नहीं गु है। अबे क्या बोलना क्या चाहते हो भाई? वो भिंडी चोर दर्द है हरे भरे और तुम यही की गु की स्पेलिंग गु नहीं गु है। चला जा पुलिस ही सूरत वाले। आई नीड कंज्यूमेबल्स, देख ले तारा हिसाब से जो लगे। हे सात बंडे जैसे प्रो मेरे पे गामा रेड। ओ माय गॉड गामा रेड। गामा रेड पोकोज गेमिंग जीएस वेलकम टू द स्ट्रीम गाइज। कैसे हो गाइज? गामा रेड गामा रेड गामा रेड गामा रेड गामा रेड। गामा रेड गामा रेड मोहित भी गामा रेड की तरफ से। ओपी रिफ्लेक्सेस ओ माय गॉड भाई तू भी है। अरे वही 50 बार समझाए चार लोग है भाई उसमें। मामा अर्थ ओहो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स पापा अर्थ बोलते हैं। सुपर चैट करना है कैसे दू भाई? रुको ऑन हो जान दो सुपर चैट। एक काम करना ब्रो मेरा डाटा खत्म होने वाला है मतलब वो 11 तक नहीं है अगर 10 दिन बाद मेरा बैलेंस वो सुपर चैट कर देना। मामा अर्थ रेट भाई साहब मामा अपन अपने स्पॉन्सरशिप करेंगे। पापा अर्थ प्रोडक्ट्स भाई गाने चला दे। डीजे रिमिक्स कमरिया 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 आगे नहीं आता मेरे को। चाचा रे Chacha rap? What is this Chacha rap? Mm-hmm.
Hey bro, hey epic watch of IT bro, welcome to the stream. Dole la balu. भाई आज तो सारा इलाज करवा के आएंगे हॉस्पिटल से. बोलना आंटी आऊं क्या, घंटे में बजाऊं क्या, शॉर्ट में लगाऊं क्या, बोलना आंटी आऊं क्या. भाई मेरे को भी बोल दो वेलकम टू द स्ट्रीम. अरे ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल है किदार? भाई हट गया भाई, रुक जाना है भाई, रुक जा, किधर जा रहा है? खट्टा मिल गया साले, मार देगा. कॉन्ट्रावर्सी. मैं इतने सुंदर हूं, मैं क्या करूं. कनिकी केन ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम यार. ब्रो पोकोज गेमिंग को भी बोल दिया था अपन ने ना, तुम रह गए थे क्या यार? मैं क्या करती अगर मैं बैठ जाती. हग्गू हग्गू नक्का जग्गू नक्का. ओहो ये क्या है ब्रो, क्या कोई था वहां पे? भूत 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 वाला सीरियल भूत. आज के इंसान कल भूत होंगे, जो आज भूत है कल इंसान थे. कॉन्ट्रोवर्सी. खान वाइटी को जानते हो? खेन वाइटी. गाइज आई नीड अ स्कोप. टेक्स गोरो को पान किया बीस्ट, बैन किया बीस्ट ने. हैं भाई नेक्स्ट कस्टम में हॉटस्पॉट ऑन कर देना. हॉटस्पॉट ऑन कर देना मतलब आपको कोई वाईफाई स्पॉन्सर करेगा? आई हैव नो आइडिया ब्रो. गाइस संघर्ष नो स्कोप. मैं करूंगा ये कौन है बे? विशेष भाई आपको वाईफाई स्पॉन्सर करेगा भाई, स्कोप है क्या?
यार आज भी हमने चिकन दे दिए किसी और टीम को, भाई आज मस्ती अच्छी बात है। क्या संघर्षपूर्ण मैच रहा अपना, होलो साइड आयरन साइड चलाई अपन ने M16 में, ऐसे कोर हो जाएगा TDM एक। अरे भाई किधर, अरे नहीं यार रुक जाओ यार, भाई रुक जाओ यार, हिडिस भाई तो चले गए, स्ट्रोम भाई भी आए नहीं। अगला मैच विशेष जीतेंगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड इज महा एपिसोड गाइस। अब अपन ना AFK फ्रैंक करेंगे इनके साथ, कल किया था हमने, मजा आ गया था भाई। IOP गजब भेज जीती है, अरे ट्रस्ट बोलते हैं इसको। अरे और नहीं तो क्या, अबे एक रोजा किधर चली गई, हमारा कास्टर को भी पूरा ट्रस्ट है, विशेष चिकन निकालेगा। ओ भेंडी चोर साला, ये असिस्ट इसकी माँ का, राजू श्रीवास्तव। भाई किल था वो मेरा, गर्जा उठा ली जाए अब। ओ पैंडी चोर आ गया यार, यार तुम किल नहीं दे रहे हो यार गाइस, ग्रोसा भी नहीं उठान दे रहे भिंडी पकोड़े। मत हिलाओ यार पलंग को, ओ कद्दू अनस्टॉपेबल, किल ही नहीं मिल रहे यहाँ पर। चिड़ी छूट रही है यार, मेरे को किल नहीं मिल रहा, मेरे को खेलना ही नहीं है। ग्रोजा वाले अपने ग्रोजा डाल ले,
अरे सारे सारे अलकायदा के बंदे सामने, दो दो को लेके एक ही ग्रेनेड में वो। भाग्या वो साला प्राइम तो हंडी भटूरा मजे करते है थोड़े इस मैच में। गाइस मैं आईडी पास लेके आया। ये
अरे 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 स्लॉट 22 में एक नूब है भैया, दूसरी आईडी दिख रही तुम्हारी, ये कौन करा वाली होगी ना। नहीं ये कोरियन है भाई, कितनी आईडी चलाते हो यार। तीन तो रूम कार्ड आते रहते होंगे यार, तीन आईडी में तो मजा आ जाता है मेरा। हाँ यार मजा आ जाता है रूम कार्ड, अलग अलग आईडी में अलग अलग रूम कार्ड। तभी बनाए है भाई, 10 आईडी बना लो भैंस की पूछ, रोज एक एक रूम कार्ड। डिवाइस लेग होता है तो होने दो, कोई बात नहीं। आगे ही इतना लैग फट जाएगा, आगे ही इतना लैग है मतलब, अभी इतना लैग है। फोन फट जाएगा भाई साहब। भाई आपका तो बहुत अच्छा है यार कस्टम में, कि तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो और क्लच भी कर रहे हो, इधर 3-64 3-4-64 ऐसे फोन में खेल रहे हैं, 3-32 में खेल रहा है ये बंदा है ना, ये 3-32 में खेलता है बेचारा। और इसका फोन में से आवाजें आने लगती है। कल वो पोचिंग की वाला मैच नहीं था, वो कल परसों रात के टाइम में था एक पोचिंग की मैच, 40-45 बंदे बचे थे 4-32 में। हाँ भाई लीजेंड है के, लीजेंड है ये, हाँ भाई लीजेंड है 4-32 नहीं भाई 3-32 में खेलता हूँ, 4 में तो ये 3 में खेलता है एक, ये 3 में खेलता है, ये भी 3 में खेलता है विशेष ध्रुव भी, और एक वो विशेष मोहित है वो भी 3 में खेलता है। मेरे पास 4 है, फिर एक विशेष विशु है उसके पास 4 है, और फिर अपने विशेष रोहर है उनके पास तो 6 है। और एक विशेष विलन है उसके पास भी 3 है। मैं 4-32 है, मजाक मत करो 4-32 है यार, आफ्टर गेटिंग वाइटी पर हो अब तो, इतने मोबाइल चला के पता चल गया कि क्या क्या रहता है, क्या इधर आना तुम इधर आना तुम जरा 4-32 मजाक चल रहा है अब। उज्ज्वल के पास तो भैया नया नया फोन आया है, 6 GB रैम है उसमें, पर ऐसा गायरो स्विंग होता है ना उसका, जीजी प्रो सच में। अरे मजाक मत करो यार, देखो आरती क्रिकेट वाइटी प्रो आज अमावस के दिन मजाक नहीं करते। जीफेक्स लगा के हमें भी बताओ यार क्या है क्या नहीं है, हमें भी तो खेलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं भाई। फिर भी नहीं यार 4-32 तो नहीं, मुश्किल है। ये कौन से फोन में होता सच में यार सार्थक ब्रो। हाँ ये आओ ब्रो, सार्थक ब्रो के पास तो खतरनाक FPS डिवाइस है भाई। नॉट पॉसिबल ब्रो, Note 8 है भाई, ये Note 8 ज्यादा ही अच्छा चलता है क्या यार, MI से इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी यार मेरे को कि MI इतना अच्छा मोबाइल निकालेगा।
आर्थर के टिक पे आईफोन है, देखा आ गई ना सच्चाई सामने। इनके पास रेडमी नोट 8 है, आर्थर के टिक के पास आईफोन है, दिला दो यार सच में 12 प्रो मैक्स। ओ भाई साहब अद्भुत। एक सारे बिरो इनके पास देख लो, एक से एक सच्चाई है यहाँ पे सामने आ रही है। बोल रहा है कि मेरे पास 4 32 है, रेंदो यार तुम रेंदो रेंदो तुम। बताया तो किडनी नहीं है आर्थर की किडनी में। भाई सबका अपना अपना चीरा है, चीरा है, चीरा है, चल रहा है वो। भाई साहब मेरी आंखें खराब हो गई यार, सही है। आशु 12 प्रो मैक्स है ना, है ना, है ना, देखो तभी तभी उसे डीपी के जहर बच देते हैं। कोई 12 प्रो मैक्स, कोई XR, कोई कुछ, कोई ROG भी बोल दो, कोई 1+8 बोल दो, मैं गरीब हूँ। एक और आ गया 3 GB वाला भाई, इसके पास भी 3 GB है। आशु भैया सच में 12 प्रो मैक्स, आशु भैया की आज पोल खुल गई यहाँ पर, 12 प्रो मैक्स में डीपी के जहर बच देते हैं भाई। 3x लूट है नहीं, देखते हैं 1x 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 भाई 3x कर दो यार। हाँ और तुम्हारे पास भी भाई रॉयल ब्रो, तुम्हारे पास भी कुछ तो भी बढ़िया चीज है भाई, देख लिया मैंने उस दिन। मैं और रॉयल भैया हमें साथ में लिया था क्या, मेरे पे नोट 8 है, दोनों ने साथ में लिया था नोट 8। भाई मतलब नोट 8 काफी अच्छी चीज है। GFX कौन से लगाते हो मेरे को बताओ यार तुम, हमें भी पता चलना चाहिए, हम भी थोड़े FPS बढ़ाएं अपने, हम भी तेज मूव करेंगे फिर। जुप 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 डिस्कॉर्ड पे बताऊंगा। हाँ भाई बताना बताना, फिर मैं अपना गेम प्ले भी रिकॉर्ड करूंगा फिर। फरिश्ता। भाई फरिश्ता आ गया भाई, मुझे भी बताओ मोमेंट कैसे फास्ट करें, जब खेलेंगे तब आपको, जब खेलेंगे तब बता देंगे, मेरे को डिस्कॉर्ड पे बता देंगे, सबको मैं ही लगा। नहीं केडी है मेरी, देखो भाई लोगों को केडी बताने के लिए लोग क्या बोलते हैं कि नहीं केडी है मेरी, तो ताकि हम केडी देखें। देख रहे हो स्कीम, देख रहे हो भाई बंदे की हद होती है यार। सार्थक भाई साहब तुम्हारे चक्करों पे सारा नोट 8 लगे लेगा भाई, नोट 8 का वो हो रहा है प्रमोशन यहाँ पे भाई। विशेष गेमिंग स्पॉन्सर्ड बाय नोट 8, रेडमी नोट 8 प्रो। नहीं आर्थर केटी की आईडी है ये, रॉयल की आईडी है ये, देख रहा हूँ मैं। आर्थर के टीम में वाइटी ने उनकी टीम ने भाई, फरिश्ता अपने पास आ गया भाई, इतना प्रसन्न हो गया वो, तुम्हारे स्लॉट में बैठ गया वो। मेरे केडी बोर्ड मार मार के बनी है, झूठ क्यों बोलू ना, आर्थर के टी की दिखाओ। देख ली तो थी उस वक्त ये 4.75 की भाई, तुम तो ये इसके भी किल जोड़ लेते होंगे ना, कस्टम्स के भी, मेरे भी भाई। हाँ भाई सब बोट ही तो मार रहे हो तुम, कस्टम में भी बोट खेलते हैं। भाई जो सबसे पहले आते हैं ना तो हाई लिखना चाहिए, हाई लिखना का आ रहा है आपने इसमें, हाय हेलो नमस्ते नमस्कार, आपका पहला कमेंट ये रहता है भाई पहचाना कि नहीं, क्या बात हो गई। विशेष के साथ करवाओ आज गन फाइट, हाँ बस बस यही ट्रिक है बाना उसकी ट्रिक है। हाँ ये बात हुई ना भाईस ब्रो, ये तो लोग पाउडर भी हमारे वापरते हैं, उससे सेंसिटिव बढ़ती है उनकी। पॉन्ड्स का पाउडर का स्पॉन्सरशिप करूंगा मैं अगली बार से, हर गेम होगा मनचाहा। थैंक्स, हाँ
हेलो। हाँ रॉकी सिंह, अपना हेलो ही नहीं हुआ था ना अभी तक, बातें चल रही थी बस। तो गाइस आप भी अगर मेरी तरह इतनी सेंसिटिव इतनी रिफ्लेक्सेस दिखाना चाहते हैं कास्टिंग में, तो आप भी यूज कीजिए पॉन्ड्स। कौन सा वाला है, फ्रेग्रेंस कौन सी है इसमें? पर्पल हाँ जो भी पर्पल कलर का डब्बा ले आना गाइस पॉन्ड्स का, हर बात होगी मनचाही फिर तो। ये देखो इस बंदे को देखो, जैसे मैंने पकड़ना, देखो कितनी फुर्ती से पकड़ा मैंने इस बंदे के। आप शौक देखिए भाई, एरोप्लेन में चढ़ते लोगों को गिराना है इस बंदे के शौक। फिर ये खुद जंप मारा, गिरा नहीं। और ये देखो विकी ओपी ऊपर चढ़ेंगे, ये चढ़ने नहीं दूंगा, माँ कसम चढ़ने नहीं दूंगा। चेज वाइटी को भी गिरा रहे हैं। तो गाइस अब प्लेन पाथ की बात कर लेते हैं चलो। तो प्लेन पाथ अपना मिलिट्री बेस से होते हुए पोचिंकी के ऊपर से, रोजोक के एकदम ऊपर से शिवन्नी के पास जा रहा है भाई। सबसे बेहतरीन वाला प्लेन पाथ है, इस प्लेन पाथ से आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो भाई प्लेन पाथ काफी बढ़िया है। ओ भाई साहब, मेशू के हालचाल पूछे जा रहे हैं ऑल चैट पे। और गाइस नोवा स्पाइडी जंप ले चुके हैं, कहाँ जाएंगे ये? डार्टेक्स भी जंप ले चुके हैं भाई, क्या मैसू के हालचाल पूछोगे तुम? डार्टेक्स तो जंप ले चुके हैं भाई। एफएनजी भी का बंदा किधर जा रहा है? अच्छा प्रिमरोज भाई, अगर ये कौन सी भाई टीम? नेक्सी की भाई। भाई नेक्सी की टीम यहाँ पर मिलिट्री बेस जाती दिखाई पड़ रही है, उनके साथ साथ जेटीजीकल ओपी की भी टीम जाती। विशेष किंग बिग फैन के शाउट आउट आ रहे हैं यहाँ पर ऑल चैट पे। और एफएलक्यू के बंदे, एफएलक्यू के बंदे इधर जा रहे हैं भाई कहीं ना कहीं तो। और हर्षो वॉरियर इधर किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हो भाई यार? एक तो जिन जगहों के नाम नहीं वहां जा रहे लोग। और आरटीएक्स विक्की वो ओपी भी आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, बानाउस की तरफ जा रहे किसी ना किसी। चलो भाई टैक्स के बंदे गए हैं पोचिंग के, कोई नहीं आया उनके अलावा भाई, कोई भी नहीं। उधर आईजीएल के बंदे भी जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं जी। यहाँ लॉर्ड महाकाल भाई साहब, लॉर्ड महाकाल जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो। भाई घटका की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहा है मुझे ये। उसके अलावा टीम यूएक्स के बंदे वाटर सिटी जी हाँ। तो टीम यूएक्स के दो लाइनअप दिखा रहे हैं जी। यार ठग्स ओपी अलग टीम से खेल रहे हैं। आर्थर गेटिंग वाइटी की टीम यहाँ जोर्सफुल कंटेनर्स नहीं सिटर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। उसके अलावा अगर अभिरूप के रन बंदे को देखूँ मैं तो, यहाँ पर क्राउच करके हुए बैठे हुए हैं, पीक पुक कर रहे हैं इधर उधर, उनकी फाइट होने को दिख रहा है मेरे को। और एमआरके का ये बंदा नॉक निकाल चुका जी, आदो थानोस यहाँ पर एक नॉक निकाल चुके अपने यूजीआई से। अब देखते हैं आगे चल के किस तरह चार्जिंग करने वाले हैं। दूसरे कंधे पे इनके लगे हुए शॉर्ट गन और यूजीआई में 25 गोलियां। और एनटीआरएस का बंदा विशेष ध्रुव को कर चुका है पिक ऑफ जी हाँ। तो उस तरफ भी चल चलते हैं। और ये हर्षु वॉरियर को मैं देख रहा हूँ, हर्षु वॉरियर पोचिंग की भेंडी जो भाई बोट बांधना है। हर्षु वॉरियर बांधा उसका पोचिंग की के अर्ज किया है। आजकल की प्यार सिर्फ जिसमें के लिया होता है, मोहब्बत तो कचरे के डिब्बे में मिलती है। मैं नहीं समझा ब्रो, अर्ज किया है। आजकल की प्यार सिर्फ जिस्म के लिए होता है, मोहब्बत तो कचरे के डिब्बे में मिलती है। इतने डीप थॉट्स भाई, रहते आंसू होठों से मुस्कुराए। अरे यार हर्षु को नहीं इधर देखने चलना अपने को। थानोस भाई, थानोस यहाँ पर अपनी यूजीआई चलाते हुए चुटकी सामने भाई, इनका गाउंटलेट खो गया है थानोस का। तो गाइस थानोस की यहाँ पर टीम नंबर 5 के साथ भिड़ चुकी है। तो भाई थानोस एकदम अपनी एकेम वेकेम लेकर घुस गए भाई। तो थानोस के अकेले के 3 किल्स हो गाइस। तो अपार्ट साफ दिया थानोस ने बिना गाउंटलेट के। तो भाई अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई थानोस गाउंटलेट बिना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एकेम और यूजीआई से भी आंख लगा देता है वो। उसके अलावा किसकी बात? अरे विशेष ध्रुव, विशेष अक्की, काफी काफी ज्यादा फुर्ती यार, इतने फुर्ती ले। एक तो तुम्हारी तरफ फरिश्ता भेजा हमने टीम में, तुम्हारी और इतनी फुर्ती। तो भाई टीम नंबर 22 के बंदे तो गाड़ी वाड़ी में बैठ गए और न जाने किधर जाने की इनकी कोशिश है। और ये आगे एक तरफ इन्हें बंदे मिलने वाले। और इनकी ये आप दाशिया की स्किन देखिए, अरे 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 अरे, जाइए जाइए आगे एक तरफ। आपको टीम नंबर 11 का शार्लॉक होमलेस देखने को मिलने वाला है। और आगे की तरफ वो जो हैं वो देखते हैं क्या कारनामा करने वाले हैं जी। नहीं, इन्होंने गाड़ी मोल ली अपनी। और T4L के बंदे तो सलमान खोई गाड़ी गाड़ी चला रहे भाई T4L के नाम से। भाई जिसने हमको मारा उसके पास अच्छा फोन है, ये सबसे अच्छा बहाना है। शो टीम गामा गामा गामा, ये क्या है ड्रामा? तो भाई गामा के एक बंदा खत्म हो चुका है। और बिल्ला को अगर मैं देखूं तो बिल्ला यहाँ पर सिटी आए हुए हैं जी हाँ। तो सिटी में और कुछ इनके अलावा फाइट
अभी तो इनकी कोई फाइट देखने को मिलने नहीं वाली भाई। टीम यूएक्स का ये अकेला बंदा, देखते हैं इसके क्या सीन होने वाले हैं भाई। तो ठग यहाँ पर यूजीआई लेकर एक घर के अंदर बैठे हुए हैं, मेरे हाथ में शॉटगन ही नहीं आई भाई साहब, शॉटगन के लस गए हैं यहाँ पर। वही गॉड प्रज्वल इनके पास आ रहे हैं भाई, टैक्स काकाशी वो अकेला जो बंदा था उसे खत्म कर चुके हैं। और टीम नंबर 20 के इस बंदे को किसने डैमेज दे दिया इतना सारा भर भर के, क्या ये अपने हेल्थ किट पॉपअप कर चुका है जी? या तो टीम नंबर 20 के ठग यहाँ पर देखते हैं अब टीम नंबर 11 के बंदों को कितनी तकलीफ देने वाले हैं, देखने वाली बात रहेगी अब तो। आप ठग ओपी के नजरिए से, जी हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं इनके ऊपर थ्रोएबल्स आए हैं और इनका खात्मा है क्या भाई? दो शॉटगन बूम बाम भाई, T4L के शेरलॉक भाई खत्म कर चुके हैं, तो काफी उम्दा खेल गए T4L के शेरलॉक। और किसकी करूँ मैं बात भाई 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 भाई, चलो अब किसी की फाइट नहीं चल रही है यहाँ पर अब, है ना? अरे आज हमने स्ट्रीम मिस कर दिया क्या भाई? तुम तो आए ही नहीं यार, 3 बजे की पूरी स्ट्रीम मिस कर दी तुम, 4 बजे वाली में आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आ तो गए, देर आए दुरुस्त आए, स्ट्रीम पे तो आए, कोई सीन नहीं है। तो इधर देखो मैं रोहित वारियर को देख रहा हूँ, रोहित वारियर यहाँ पर अपना फॉरेक्स वॉरेक्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल मेन बिल्डिंग आए हुए हैं और इनके फाइट होने को, सॉरी भी रो कोई सीन नहीं है यार ब्रो, तुम आए तो सही कम से कम। ये देखिए टीम नंबर 18 के बंदे इनके आगे की तरफ देखने को मिलते हैं, टीम नंबर 18 के भाई इनका नाम नहीं ले रहा पाता हूँ यार मैं। 3 PM हुआ हाईलाइट बोल दो भाई, 3 PM मीरामार का मैच था भाई, और ये वॉरियर के ऊपर शॉट ट्राई कर रहे हैं ब्रो, छोड़ो यार अभी पूरी रन दी, मुझे ना याद नहीं रहता यार बहुत ऐसे मैचेस, भले देख लो अभी 3 PM का ही बोल गया, मीरामार का मैच था इतना याद है मुझे। अरे भाई साहब शॉट पड़ गया यहाँ पर, कौन जीता भाई, क्या नाम था उन टीम का भाई, इसमें एफ के क्लच कोड खेल रहा था भाई, वो टीम जीती, बढ़िया कंपाउंड होल किया था उन्होंने ऊपर की तरफ और नीचे से आने वाले बंदों को टपा टप दे दिया था उन्होंने। शो टीम नोवा भाई, पहले गामा अब नोवा, भाई किधर है नोवा? गामा एरी भाई, नोवा भी वही है गामा, वही है नोवा, मस्त मलंग अपने गेम में, अरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मुझे। और ये डैट्रेक्स इधर क्यों रुके हुए हैं और इन्हें क्या पता है कि नदी किनारे एक इनका बंदा कर रहा है इंतजार, एरी दासियन की तरह लिए आ गई है और इनका लिए नदी किनारे कौन इंतजार कर रहे हैं? मशरूम, मशरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखो तो इनको साउंड आ गए होंगे बिल्कुल, अभी रूप वो बंदे ने भाई स्कूल मेन बिल्डिंग में एक नॉक निकाल लिया अपने M24 से, तो उनकी स्नाइपर काफी बढ़िया चलती हुई दिखाई पड़ रही मुझे। और इधर गामा के बंदे तो अभी रोटेशन डाल रहे भाई, तो अभी कोई सीन नहीं है उनका बिल्कुल, और उनके बगल में FLQ का ये बंदा लेटा भी हुआ है। टीम नंबर 1 के बंदे यहाँ पर शॉट ट्राई करने वाले, जी हाँ, तो टीम नंबर 3 के बंदे के ऊपर यहाँ पर शॉट होने वाले, जिगल ओपी के M7 से मारेंगे भाई। ओ भाई ओए M7 से मत मारो यार, उधर MRK के थैनोस भी एक नॉक निकाल चुके, तो दोनों नॉक देखने को मिल गया हमें स्कूल की तरफ, उधर क्या ब्रश वश भी हो जाएगा? तो भाई थानोस यहाँ पर एक और नॉक निकाल चुके अपनी कार 98 से, और टीम नंबर 25 के बंदे स्कूल मेन बिल्डिंग में पहुंचे हुए, और एक और को शॉट, अरे कोई तीन नया टीम आया था 3 बजे भाई, काफी नए नए नाम सुनने को मिल रहे थे उसमें तो। और भाई यहाँ पर कार 98 चलाते हुए था ना, क्विक स्कोप उम्दा ट्रेनिंग करके आए हैं यार ये, वॉरियर के ऊपर शॉट ट्राई करेंगे, फोरेक्स उठा लिया फेंक देंगे, फिर से फेंक देंगे, ऑटो पिकअप की माँ की यहाँ कैसा बोला होगा उन्होंने अभी, और ये देखे वॉरियर के ऊपर फिर से शॉट ट्राई करेंगे, कार 98 मार, कार 98 चेज वाइटी काफी अलग जा रहे हैं अपनी टीम से भाई, इनका कुछ मूड मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओहो उधर एक और नॉक निकाल लिया, तो वॉरियर ब्रो जो अपने शक्ल दिखा रहे थे बार बार, उन्हें बार बार मारा जा रहा है भाई, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है भाई, उस बंदे की सिर फोड़ फोड़ा जा रहा है भाई, मतलब होल हो जाएगा भाई। तो भाई हम देख रहे हैं यहाँ पर थानोस के पास कार 98 तो है, और उस कार 98 का सदुपयोग करना जानते हैं, तो भाई टीम 25 के बंदों के सिर फोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल फोड़े जा रहे हैं भाई कंटिन्यूअसली, MRK थानोस और अभिरूप,
अपने M4 और कार98 से हमें नॉक निकाल के दिखा रहे हैं जी। या तो टीम 25 कुछ फाइट दिखाओ ब्रो, कुछ फाइट हो तो फाइट दिखाओ ना यार या फिर मैं फाइट करने लग जाऊँ इधर कुछ। तो मैं इधर टीम नंबर 25 के बंदों के ऊपर शॉट स्ट्राइक रही है, देखिए फिर से बॉडी शॉट चेप दिया या फिर लेवल 3 हेलमेट होगा उसके पास, देखते हैं ना अपन चल के। यही पहुंच जाना उधर भाई, लेवल 2 ही था। चलो बॉडी शॉट दिया है भाई, बॉडी शॉट दिया गया इधर से। तो भाई थानोस और इनके अभिरूप होता तो दिखाया ना जी, हाँ हो तो दिखाए हम अभी। और इधर थानोस और क्या नाम था उनका, अभिरूप ब्रो, काफ़ी बढ़िया स्नाइपर दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं भाई। दो तीन तीन बार नॉक भी निकाल चुके अपने स्नाइपर से, और इनके साथ इनका जोन है तो भाई इन्हें फिर रश करने की जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों एक साथ नॉक निकाल लेते हैं, दो नॉक के बाद तो काफ़ी बड़े रश देखने को मिलेगा। और गाइज अब हमें रोटेशन देखने को मिलने वाले हैं, तो भाई नोवो कंटेनर्स में बीस्ट डेप की टीम अभी भी बैठी हुई है भाई, उन्हें थोड़ा निकलना भी चाहिए यार उस तरफ से, क्योंकि भाई जोन में भी आप निकल लीजिए थोड़ा। मैं इधर अगर मैं इनको देखूँ, कायरो अपने M4 लेकर इधर आए हुए हैं, किधर ये रूइंस के पास है ना जी, हाँ पोचिंग की, और रूइंस के बीच के इन झोपड़ में बैठे हुए हैं, और देखते हैं इनकी भिड़ंत हो सकती है कुछ बंदों के साथ। देखने वाली बात है उस इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं। और FL क्योंकि मशरूम भाई ब्रिज पे हुआ करते थे एक ज़माने में, और इधर IGL की टीम के बगल से रोटेशन डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल। और एक बार IGL की टीम का रोटेशन आप देखिए भाई, ये कहाँ पर उतरे थे भाई, गटका के पास वाले कंपाउंड्स में इन्होंने व्हीकल्स उठाई और फिर इस तरफ आ गए, और जोन की तरफ अभी इन्हें बढ़ना है। मशरूम के रोटेशन आप देखिए एक बार, तो मशरूम यहाँ पर मिलिट्री बेस के पास के नीचे की ब्रिज के साइड वाले कंपाउंड्स में उतरे, ब्रिज क्रॉस किया, पोचिंग के लेफ्ट होते हुए अभी स्कूल की तरफ बढ़ रहे, और स्कूल में मिलने वाले जी। हाँ तो क्या है स्कूल में उन बंदों के साथ थोड़ी बहुत भिड़ंत लेंगे, क्योंकि इनका ये डुओ देखते हैं अब यहाँ से क्या कारनामा करने वाला है, देखने वाली बात रहने वाली है। तो और यहाँ पर शॉट स्ट्राइक किए गए हैं जी, तो अब स्नाइपर के अलावा ऑटोगन के साउंड्स भी आते हुए जी हाँ, और CID और FLQ के बंदे यहाँ पर अब इनके बीच से निकलेंगे, और इनके ऊपर तो कंटिन्यूस शॉट स्ट्राइक किए जाने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या नाम है इनका, लेबनियन जी हाँ, तो लेबनियन भाई क्या ही नाम है भाई। तो इधर FLQ के बंदों के ऊपर शॉट स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या भाई स्नाइपर से गिरा दोगे भाई, भाई गिरा दो ना यार, मजा आ जाएंगे हमें भी देखने में थोड़े, पर नहीं भाई, भाई पहले वो खड़े बंदों को गिराओ यार, फिर इनको भी उठा गिराना भाई। ZT के जिगल OP यहाँ पर एक शेक के अंदर बैठ कर भाई अपना बूस्टर्स लगा रहे हैं, और ये शेक के अंदर खिड़की आज देखी मैंने कि भाई इसमें खिड़की भी होती है, काफ़ी बढ़िया भाई, काफ़ी बढ़िया खिड़की देखने को मिल रही है मुझे। इन बंदों के रोटेशन की अपन बात करें एक बार, अगर तो मिलिट्री बेस उतरे या इधर इस साइड न जाने क्या करने गए, फिर ये ब्रिज होते हुए पोचिंग की राइट से स्कूल अपार्ट्स की तरफ आ चुके हैं अभी, तो भाई इनका रोटेशन भी काफ़ी साफ सुथरा रह गया है। उसके अलावा किसकी मैं बात करूँ यार, कहीं फाइट ही नहीं चल रही भाई, काफ़ी साफ सुथरा मैच दिखने को मिल रहा है आज तो। और किसकी रोटेशन की बात कर लेते हैं, चलो RTX के बंदों की रोटेशन की बात करते हैं। RTX के बंदे यहाँ पर मिल्टा में उतरे, फार्म साइड उतरे, शायद मिल्टा तरफ भी गए फिर, और ये सीधा रोटेशन इनका इस जगह तक रहा। और FLQ के मशरूम का तो काफ़ी उम्दा बेहतरीन बेहतरीन दारू से भयंकर रोटेशन है भाई इनका तो। और ये गॉडज़िला लीजेंड इनकी टीम का अपन देखते हैं भाई रोटेशन, तो भाई ये बंदे उतरे थे अपने शेल्टर के पास, और शेल्टर के पास से प्रिजन गए, प्रिजन के बाद ये गए फिर अपने याचना ब्रिज, और वहीं पर हैं अभी इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोगों का आए वहाँ पर। मैं 4 PM के बंदों का रोटेशन देख लेते हैं, ये स्नाइपर ट्राई कर रहे हैं कुछ बंदों पर, और इनका रोटेशन आप देखिए, सिटी गए, सिटी में उधर गाड़ी वाड़ी ढूंढी और सीधा यहाँ पर आ गए। और ये देखिए ये बंदा फिनिश डालने वाला है, आर्थिक रीडिंग वाइट है, तो भाई काफ़ी तकलीफ दे देता है यार ये बंदा लोगों को, फिनिश डाल दिया उस बंदे को। अब मैं देख रहा हूँ आशु XOP को, आशु XOP अब 10 और 15 के बंदों के ऊपर किस तरह चार्जिंग करने वाले देखने वाली बात रहेगी। तो भाई ग्रेनेड से अप्रोच करेंगे सबसे पहले, तो ग्रेनेड यहाँ पर ट्राई कर दिया इन्होंने, और ये ग्रेनेड भाई इफेक्टिव होने वाला है क्या भाई, नहीं हुआ अभी तो। और ये इनका इन्हीं का एक टीममेट दाशिया लेकर इधर आ चुका है, रीपर OP को मैं देखने वाला हूँ। अब रीपर OP के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, रॉयल वहाँ पर एक नॉक निकाल चुके, आर्थर के वाइटी ने को किल मिल गया है, रॉयल को भी किल मिल चुका है, क्योंकि रॉयल ने राज बंदे को भी खत्म कर दिया है। 4 PM का बंदा काफ़ी कितना फुर्ती भरा वो देखने को मिल गया अपने को यार, स्कॉट वाइप कर दी इन्होंने। अब यहाँ पर देखिए गोडेस के बंदा, अभी तो भाई नोवो में कौन था भाई, वो यही तो थे शायद भाई, क्या सही रोल रोटेशन है यार इनका। रोहित पारियर के साथ इनकी चल रही है फाइट, यहाँ तो रोहित पारियर को हम देख रहे हैं टीम 25 के, और इनके टीममेट्स को आगे की तरफ देखते हैं अपन भाई। गोडेस के इटाची को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फिनिश डालते हुए दिखाई पड़ रहे एक बंदे को, तो गोडेस के इटाची यहाँ पर एक बंदे को फिनिश डाल चुके हैं, इनकी टीम के हो चुके 2 किल और इनको 1 किल नहीं मिला अभी तो। शूटिंग गाना टेक्स का रूट दिखाओ, बिल्कुल दिखाने वाला हूँ ब्रो भाई। गामा के बंदों को देखिए आप एक बार, तो भाई गामा के बंदों को देखो भाई, मिलिट्री बेस में जंप लिए, इधर इधर घूमे छोटे छोटे कंपाउंड्स और यहाँ तक आ गए, और ये शॉट्स ले रहे हैं टीम नंबर 16 के ऊपर।
नॉक करेंगे बीजे। हाँ तो जिया से यहाँ पर अपने M24 का कारनामा करके दिखा चुके हैं और अपन चलते हैं अब अपनी टैक्स पे। टैक्स 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 टैक्स। तो भाई टैक्स के बंदों को आप एक बार देखिए, पोचिंग के में ही उतरते हैं, उसके बाद पोटेटो हिल साइड गए उनके राइट साइड से, और वहाँ से काफ़ी सेफ रोटेशन का याचना एक तरफ आ गया, और याचना में कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये अपने नाम कर चुके हैं। बिल्कुल बढ़िया जगह, बढ़िया पकड़ ली उन्होंने। अब यहाँ से गामा पे आ जाके जाते हैं हम, या तो गामा का ये बंदा अपनी सरप्राइज कारल से कुछ शॉट्स लेते हुए दिखाई पड़ रहा है, और इन्हीं के टीममेट्स को अगर मैं देखूँ तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट है अपने टीममेट से। जीएस अपने M24 से एक नॉक निकाल चुके थे, इन्हीं के टीममेट स्पाइडी ने एक नॉक निकाल लिया अपने कार98 से, और मैं देखो अगर टीम नंबर 16 के बंदों को, तो भाई टीम नंबर 16 के बंदा रिवाइव देने बिजी है। क्या यहाँ पर जीएस एक नॉक निकालने वाले भाई, यहाँ से रश हो जाए तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा अब तो, क्योंकि भाई एक बंदा नॉक पड़ा हुआ, एक बंदा नॉक है तो भाई बाकी बंदों का आप समझिए थोड़ा हड़बड़ाहट हो जाती है वहाँ पर, तो वहाँ से आप काफ़ी बढ़िया काम कर सकते हैं। वहीं इनोवा के शार्की ने अपने ग्रोजा से किसे नॉक कर दिया भाई, भाई शार्की इतनी दूर है और ये किसे डाउन कर रहे हैं भाई, अपने ग्रोजा फोरेक्स से भाई, बंदा है को देखिए आप यार, ग्रोजा फोरेक्स चला रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो। तो भाई अपने ग्रोजा फोरेक्स का कारनामा दिखाते हुए यहाँ पर नोवा के शार्की टीम नंबर 16 के बंदों को यहाँ से तकलीफ दे रहे हो, और अपने ग्रोजा लेकर इस ड्रॉप के पीछे बैठे, और आरटीएक्स के विकी ओपी उस तरफ आ चुके हैं। विकी ओपी को मैं देखना चाहूँ उसका पहले, तो स्पाइडी इनके लिए दासिया ले आया, और ये दासिया में बैठेंगे क्या, या तो दासिया में बैठ के स्पाइडी के साथ शाके किधर जाते हैं देखने वाली बात रहेगी। और कंटिन्यूस शॉट्स देखने मिल रहे हैं इधर, और ये क्या किधर है टीम नंबर 4 के बंदे भाई, टीम नंबर 4 के बंदे इनके ऊपर शॉट्स क्यों ले रहे भाई, क्या इनके काफी क्लोज है। टीम नंबर 4 के बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ मैं, अपने विक्टर और यूजिया चला रहा भाई, दो SMG है इसके पास, तो भाई इधर क्या नाम है इनका, खाल, खाल यहाँ पर दो SMG चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और दोनों काफ़ी ज़्यादा हाई फायर रेट वाली गन्स है। वहीं नेक्सी यहाँ पर टैक्स के आयुष गॉड को पिकअप कर चुके, तो टैक्स के बंदों पे चले चलते अपन। काकाशी को देख रहे हैं हम, काकाशी अपने M4 लेकर बैठे, काकाशी के ऊपर क्लिक किया ना मैंने, काकाशी यहाँ पर फ्रैग गॉड की तरफ स्मोक डालने की कोशिश कर रहे हैं जी, और उधर बीस्ट के बंदे क्या इनकी तरफ चार्जिंग करने वाले हैं, देखने वाली बात है कि एक ओपन वाला रीच इन्होंने लिए जी, ये जो हल्का सा हील टाइप है। वहीं HPS के रॉयल यहाँ पर पिकअप हो चुके हैं, और इधर काकाशी के ऊपर स्पोर्टिंग करके बैठे हैं नैक्सी, नैक्सी अपने M4 से देखते हैं आप कितने नॉक निकालने वाले हैं, और उधर FMG के इन्वाइडर एक नोवा स्पाइडी को पिकअप कर चुके हैं, तो नोवा के बंदों के ऊपर क्या यहाँ पर रश होने वाला है जी, देखने वाली बात रहने वाली यहाँ से। और आशु XOP को की टीम का आप एक बार देखिए, 7 किल से रॉयल को यहाँ पर रिवाइव दे दिया जाएगा, इन्होंने जगह यहाँ पर पकड़ लिया मेरे हिसाब से, ये जगह ये छोड़ने नहीं वाले अब। और FMG के इन्वाइडर यहाँ पर क्या रश करने वाले हैं, अपने हीलिंग बैंडेज लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, और भाई UX विशाल को देख लेते भाई, अभी तक देखा नहीं इनको, आप एक बार इनके रोटेशन देखिए, काल 20 किल वाली टीम है ये भाई, ओ भाई साहब क्या रोटेशन भाई, मोटर सिटी उतरे, एक गराज से गाड़ी उठाई, इधर से फिर ब्रिज क्रॉस किया, फिर रोजोक के पीछे हिल की तरफ गए, फिर उसकी तरफ बाद सिवन्नी साइड गए, सिवन्नी से याचना है भाई, पूरी नदी घूम के आए हैं, तो काफी भाई घूम फिर के खेल रहे भाई। तो भाई RTX के इस बंदे को देख रहा हूँ मैं, अपने M7 लेकर बैठे हुए हैं, अपने टीममेट को दे रहे रिवाइव, टीम नंबर 4 के बंदे क्या इनकी तरफ गाड़ी लेकर आ गए जी, नहीं अभी तो कोई आया नहीं इनकी तरफ गाड़ी लेने, और नोवा के बंदे अपने स्माइल भाई नोवा पे क्लिक किया था मैंने, तो भाई टीम नंबर 4 के बंदे इधर हिल इधर पीछे की तरफ है जी हाँ, तो व्हीकल व्हीकल के कवर बना के बैठे हैं, और नोवा के शार्क के अपने और कुछ नहीं, तो भाई ग्रोजा फोरेक्स चला रहा है भाई बंदा, अब देखिए इसको एक बार ग्रोजा फोरेक्स से बंदों को नॉक करेंगे। और इधर नैक्सी ने अपने M4 से नॉक निकाल लिया जी, तो टैक्स के बंदों को नॉक किया जा रहा है जी हाँ, उधर बीस्ट के बंदे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देते दिखाई पड़ रहे हैं मुझे टैक्स के बंदों को। तो भाई बीस्ट के राहुल को मैं देख रहा हूँ अपने DP फोरेक्स लाकर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं DP के जहर बस देने का, और उधर टैक्स के बंदों को एक बार मैं देखूँ तो भाई FMG के इन्वर्टर एक नॉक निकाल चुके हैं। तो भाई टैक्स के एक्समैन को मैं देख रहा हूँ, टैक्स के एक्समैन देखते हैं अपने M466 से क्या करना करने वाले हैं, तो एक्समैन के पास हम बैठे हुए हैं, एक्समैन अपने M466 से स्प्रे देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बीस्ट के बंदों के ऊपर, बीस्ट के बंदे कंटिन्यूस नॉक निकाल रहे हैं। वहीं आयुष गौड़ को फिर से पिकअप कर लिया गया है, और शॉट्स आते हुए यहाँ पर शो गामा फाइट, गामा की फाइट हो रही क्या ब्रो। तो गाइस अब हम यहाँ से गामा की तरफ चल रहे हैं, गामा के बंदों की अगर मैं बात करूँ तो भाई इधर मैं देख रहा हूँ गामा के शार्की को जी हाँ, नोवा के शार्की को देख रहा हूँ, और इनकी लगता है फाइट हो गई। यहाँ से इनके पास एक ग्रीन टीम नंबर 7 के व्हीकल्स निकल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर 7 के व्हीकल्स पर किस तरह शॉट्स लेते हैं जी हाँ। शार्की अपने सरप्राइज स्कारल से काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लेते दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, तो भाई शार्की ने यहाँ पर अब फोरेक्स लगा लिया, और ये देखिए भाई जीएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लेते दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। वहीं रीपर OP एक नंबर निकाल चुके हैं, रीपर OP की तरफ चलते हैं अपन गाइस अब। सो गाइस रीपर OP
और आशु एक्स ओपी को हम देख रहे हैं, रिपर ओपी पर रोजोक पे किसी कंपाउंड पे आ चुके हैं, इनकी व्हीकल की काफी ज्यादा हालत भाई मरम्मत कर दी गई है एक तरफ से इनकी। और आरटीएक्स का बंदा यहाँ पर टीम डब्ल्यूआर के जीएस को पिकअप कर चुका है, तो आरटीएक्स के बंदों पे चलने की कोशिश करनी पड़ेगी अब हमें। सो गाइस आरटीएक्स के बंदे यहाँ पर ओपन में फाइट लेते दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, और ओपन में इनकी किससे फाइट चल रही टीम नंबर 7 के बंदों के साथ, रिपर ओपी ने भाई मैं उधर से अभी तो आया यार, उधर थोड़ी देर पहले नॉक निकाल लेते यार ब्रो, मेरे लिए सुविधा हो जाती। और उधर अभिरूप ने वहाँ पर एक नॉक निकाल लिया जी अपनी एम4 से। आर्थर की टीम वाइटी को मैं देख रहा हूँ, जाए जी हाँ अभी इन्हीं को देखूंगा थोड़ी देर में जी। आरटीएक्स वीकी ओपी के यहाँ पर व्हीकल जाते हैं, उसके ऊपर हमने एम4 3x शॉट ले रहे हैं। यहाँ पर आर्थर की टीम वाइटी काफी ज्यादा डैमेज कर दी, वो इन्होंने कंटिन्यू शॉट ले रहे और ब्लास्ट कर दी गई रीपर ओपी के द्वारा। तो रीपर ओपी काफी उम्दा यहाँ पर अपने स्प्रे का प्रदर्शन करते हुए, तो 4 PM के बंदे पर अब हर तरफ तबाही मचाने वाले, 10 टीम के लिए हो चुके 43 जन भी अलावे, अब देखते हैं और कितने किल निकालने वाले हैं यहाँ से। तो अब ये यहाँ पर अपनी M24 से कोशिश कर रहे हैं टीम नंबर 11 के बंदों पर शॉट्स लेने के, और उनके अलावा टीम नंबर 25 के बंदे भी उधर देखने को मिलने वाले हैं, तो अपनी M24 से यहाँ पर पूरे शॉट्स लेने वाले हैं ये। भाई इस बंदे को देखते हैं अपन, ये अपने स्कूल में आ गए, भाई स्कूल में इनका जगह ले ली इन्होंने टीम UX के बंदों ने, और ये जोन के बाहर है क्या, हो सकती है थोड़ी देर में। और यहाँ पर आप विशाल का मैं स्प्रे देखूंगा प्ले जोन से, यहाँ पर आयुष गोट जा चुके हैं, आरटीएक्स के बंदे यहाँ पर ध्रुव के द्वारा पिकअप कर लिए गए हैं डीपी के द्वारा, और वे विशाल को देख रहा हूँ, विशाल के आसपास से कुछ बंदे रोटेशन डालते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं T4L के हाई अपने M4 से नॉक निकाल चुके हैं, इन्हीं के टीम में ट्रैक्टो यहाँ पर अलग क्यों है भाई। तो भाई रेक्टो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचाते हुए दिखाई पड़ रहा है मुझे अपने M4 6x से, काफ़ी उम्दा यहाँ पर गाड़ी वाड़ी ब्लास्ट कर दी इन्होंने, और अपने Kar98 से भी आगे की तरफ बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा चलो गाइस शार्की को देखेंगे अब अपन। शार्की यहाँ पर स्कूल के पीछे वाली रिच पर बैठे हुए हैं, बैंडेज लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हमें ना जोन की तरफ जाना, वहीं रैक्टो के ना फिर वो गाड़ी का ब्लास्ट, अब बता रहे हैं मेरे अंदर से। और बिल्ला ने यहाँ पर एक नॉक निकाल लिया बीस्ट का, ब्रोचेज वाइटी ने यहाँ पर एक बंदे को पावर पिकअप कर लिया है, और गोडजिला ने यहाँ पर अपने ग्रेनेड से नॉक कर लिया है, गॉड्स के सेपरेटर ने अपने ग्रेनेड से निकाला है, टीम WR के स्लेयर यहाँ पर एक नॉक निकाल चुका है, बीस्ट के नेक्सी ने अपनी AKM से एक नॉक निकाल लिया है, और भाई ग्रेनेड से सेपरेटर ने अपने एक और को नॉक कर दिया है। और यहाँ पर अब रोटेशन देखने वाले हैं हम नोवा शार्की के, जहाँ तो इन्हें लेफ्ट की तरफ से जाने जाते हुए मैं देख सकता हूँ, और सही है इनके लिए अभी यहाँ से वो लेफ्ट की तरफ से निकलना, क्योंकि भाई इस तरफ अभी कोई नहीं है। सो रोजो घिल्टो भी पकड़ने वाले हैं मेरे हिसाब से, और आगे की तरफ इन्हें मिलने वाले हैं टीम वाइटी और उनकी टीम। तो भाई मैं शार्की को देख रहा हूँ, भाई नोवा शार्की को, और देखते हैं इनके साथ इनके क्या सीन होने वाले हैं। ओहो शॉट्स 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 भाई चारों तरफ बंदे। तो भाई नोवा शार्की यहाँ पर हिल टॉप आ चुके हैं, अब इनकी फाइट हो सकती है जी हाँ टीम नंबर 22 के साथ, तो टीम नंबर 22 के बंदों के साथ इनकी फाइट हमें देखने को मिल सकती है। देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह शॉट्स लेने वाले हैं टीम नंबर 22 के बंदों के ऊपर। तो अपने ग्रोजा फॉरेस्ट यहाँ पर बिल्ला के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं जी, और शार्की को यहाँ पर पिकअप कर लिया गया है, तो शार्की को यहाँ पर आशु एक सोपी ने अपने डीपी के सर बस दे दिए। भाई आपके तरफ अगर 4 PM के बंदे तो आप थोड़ा संभल के रहिए, वो बहुत भयंकर मारते हैं भाई। और इधर मैं देखूँ तो डाटेक्स को देख रहा हूँ मैं, टीम नंबर 2 के बंदे उधर से रोटेशन डालते हुए दिखाई पड़ रहा है, उनके ऊपर नजर है। यहाँ पर शार्की को रिवाइव दिया जाएगा जी हाँ, तो शार्की को यहाँ से रिवाइव दिया जा रहा है। भाई टीम नंबर 2 के बंदे आ चुके हैं जी हाँ एक रिच के पीछे की तरफ, और आशु एक सोपी उनके ऊपर नजर लगाए हुए थे, लेकिन आशु एक सोपी को गोडेस के बंदे ने पिकअप कर लिया, रिपर ओपी उन्हें रिवाइव देते दिखाई पड़ेंगे, और क्या ऐसे थ्रोएबल ट्राई करने वाले हैं टीम नंबर 2 के बंदे, देखने वाली बात रहने वाली है। और ये कुछ कंटिन्यूस स्प्रे देते हुए थ्रोएबल यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन स्लेयर ने यहाँ पर हिटाची को पिकअप कर लिया, और इनकी तरफ अब किसका साउंड आया, स्मोक है, चलो भाई स्मोक है। और ये टीम WR के बंदे को देखो तो यहाँ पर स्मोक डालकर जोन में जाने की इसकी कोशिश रहेगी, और इसके ऊपर नजर है भाई, पैनी नजर लगाए बैठे लोग। आर्थर की टीम वाइटी को देखो तो भाई तो इनकी पैनी नजर है इनकी तरफ, और ये रैंडम स्प्रे जाते हुए भाई कनेक्ट हो गया, तो हैकर बोलना पड़ेगा इनको। तो भाई कंटिन्यूस स्प्रे यहाँ पर देते हुए टीम नंबर 7 के बंदों के ऊपर, बंदों के ऊपर नहीं भाई, स्मोक डाल चुका है, रोड की तरफ तक स्मोक डाल दिया उसने। तो भाई कवर तो काफी तगड़ा बना रहा है बंदा, लेकिन भाई इतने ज्यादा बंदे तुम्हारे पे नजर डाले हुए हैं, तो रिपर ओपी ने खत्म कर दिया भाई इसको। तो भाई टीम नंबर 3 के बंदे यहाँ पर हिल टॉप पे पहुंच चुके हैं कब से, काफी बढ़िया जगह इन्होंने चुनी है, काफी बढ़िया जगह है भाई अगर आप हाइट एडवांटेज पकड़ के बैठेंगे। लेकिन इन्हें रोहित वॉरियर ने यहाँ पर अपने Kar98 से पिकअप कर लिया, और स्मोक डाल के खुद के लिए कवर बनाने वाले हैं, और ये व्हीकल्स इनको इस साइड लगाने देना चाहिए। और भाई शार्की ब्रो को खत्म ही कर दिया भाई, तो BRD के चेस बाइटी यहाँ पर पूरी तरह से एक तरह का थर्ड पार्टी कर दी भाई,
रीपर ओपी में अपन कुएं पड़े, टीम नंबर टू के बंदे नीचे की तरफ से जा रहे हैं, तो रीपर ओपी का यहाँ पर खात्मा होता देख सकता हूँ मैं। टी फोर एल के बंदों के साथ अब फाइट होने वाली है। जी आशुक सोपी को देख रहे हैं, इनके लेफ्ट की तरफ से टी फोर एल के बंदे आ रहे हैं और आर्थिक किटिंग बाइटी भाई ऊपर की तरफ चढ़ गया। आर्थिक किटिंग बाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहा हूँ ऊपर की तरफ पड़ रहे हैं, नोवा को यहाँ पर पूरा नॉक फिनिश डाल चुके हैं और आगे की तरफ इन्हें डार्टेक्स से जी डार्टेक्स के ऊपर शॉट लेने वाले, डार्टेक्स को भी खत्म कर दिया। तो यहाँ पर आर्थिक किटिंग बाइटी ऊपर की तरफ चढ़े, सात इंडिविजुअल किल भाई, आम बात है भाई, आम बात है, कोई बात नहीं। अभी रुकिए, अभी अभी खत्म नहीं हुआ भाई। थ्रोएबल देखिए, अब अपने यहाँ से थ्रोएबल डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे आर्थिक किटिंग बाइटी। अब ये थ्रोएबल नहीं किया भाई कनेक्ट, चलो कोई बात नहीं। एक आध और थ्रो गया भाई, एक और थ्रोएबल भाई, एक से पेट नहीं भरेगा, एक और थ्रोएबल गया, इसका भी कोई खासा असर हमें देखने को नहीं मिला। और इनका थ्रोएबल आया, ये बिल्कुल पिक ऑफ करेगा भाई। तो टीम नंबर टू के बंदों का काफी बढ़िया यहाँ पर थ्रोएबल देखने को मिला, तो इटाची का काफी नफा तुला यहाँ पर ग्रेनेड देखने को मिल गया हमें, और वो दूसरा ग्रेनेड भी डैमेज नहीं दे रहा भाई। तो बग्गी के पीछे बैठे हुए आशु एक सोपी को मैं देख रहा हूँ, आशु एक सोपी यहाँ पर स्मोक डाल के अपने टीममेट के लिए कवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे एक तरफ बढ़ेंगे, आगे एक तरफ इनको 1v3 करने की जरूरत है और रॉयल भी आ चुके हैं जी। तो चलो 1v3 की सिचुएशन नहीं है, और थ्रोएबल्स आए गए यहाँ पर और रॉयल यहाँ पर प्रोन हुए पड़े हैं और पीछे की तरफ से भी इनको पड़ सकती है गाइस। और ये डीपी के कुछ शॉट्स मुझे मुझे साउंड आए हैं और ये आर्थिक क्रेडिट पार्टी को रिवाइव देने पहुंच गए, लेकिन एक और ग्रेनेड आया और बिल्ला ने उस ग्रेनेड से खत्म कर दिया है। तो पीछे की तरफ है जी हाँ, तो रॉयल और आशुक सोपी के ऊपर जिम्मेदारी है अपनी टीम के लिए कुछ यहाँ से अच्छा करने की। रॉयल का उधर एक थ्रोएबल गया जी हाँ, उस थ्रोएबल का भाई असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है कुछ खास। और आशुक सोपी यहाँ पर टीम नंबर फोर के बंदों के साथ भी इंगेज हो गए जी हाँ, तो टीम नंबर फोर का ही अकेला बंदा है, इसने काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पर दे दिया आशुक सोपी को। आशुक सोपी यहाँ पर हीलिंग करते हुए आशुक सोपी को पिकअप कर लिया गया टीम नंबर फोर के उस बंदे के द्वारा। अब रॉयल इधर आगे की तरफ आते हैं, रॉयल इस बंदे को तो डाल देंगे मेरे हिसाब से, या तो रॉयल ने इस बंदे को तो खत्म कर दिया, लेकिन जोन की तरफ बढ़ रहे हैं और जोन की तरफ बढ़ने में इन्हें टीम नंबर टू के बंदे तकलीफ देने वाले हैं जी हाँ। टीम नंबर टू के बंदे कब इनकी तरफ नजर डालेंगे वो देखने वाली बात रहने वाली है। तो भाई बिल्ला को मैं देख रहा हूँ, बिल्ला की तरफ बढ़ रहे, रॉयल को ऊपर शॉट्स लेंगे जी हाँ, तो रॉयल को ही पिकअप कर सकते हैं यहाँ से, रॉयल को खत्म कर दिया और इसके साथ गेम ही खत्म हो गया भाई, पता ही नहीं चला हमको तो। सो गाइस गोडास के बंदे यहाँ पर चिकन निकाल चुके हैं जी हाँ, तो इटाची और इनकी टीम यहाँ से निकाल चुकी है चिकन, 5 किल से पलट आ गए थे और इनकी टीम के आप देखिए 10 टीम किल्स काफ़ी उम्दा। वहीं आशुक सोफी और इनकी टीम भाई 7, 3, 10 और 4, 14 और 2, 16 टीम किल्स के साथ काफ़ी बड़े गेम निकाल के आए हैं और 5 किल के साथ गोडस के गोडजिला के बंदे यहाँ पर 3rd पोजीशन निकाल चुके, तो काफ़ी बड़े हमें गेम देखने को मिला। यूएक्स के बंदे तो काफ़ी बड़े खेल ही रहे भाई कुछ दिनों से, उन्होंने निकाल ली 4th पोजीशन 2-1, 3 किल्स के साथ। 5th पोजीशन निकाली है भाई नोवा की टीम ने जी हाँ, तो गामा के बंदे आ चुके हैं 5th पोजीशन पर, 6th पोजीशन निकाली जीओटी के बंदे और 6th-7th पोजीशन निकाली रोहित वॉरियर की टीम ने, काफी उम्दा गेम। अरे यार भाई क्या चढ़ रहे थे तुम बंदों के ऊपर यार, अरे रह गए यार, कोई बात नहीं भाई आज अमावस है ना। भाई चिकन से बढ़िया चीज करके आया यार तुम, इतने बंदे मारे तुमने, 1v3 देखा वही तो देखा, चढ़ गए तुम ऊपर ही बंदों पे बेचारों पे, नोवा के बंदे यार, गामा के बंदे थे अपने, क्यों मारा उनको अपने, पहचान वाले थे। सोलह किल हाँ यार भाई, इतना भयंकर कौन मारता है यार। गामा GSOP, अरे क्या स्नाइपर चला रहे थे भाई, M24 उम्दा चला रहे थे GSOP, कौन सा स्कॉट था भाई, यही अपने GS ब्रो का 1v3 वाला, ये आपके ऊपर वाला कमेंट। टीम नंबर भाई नोवा की टीम कौन सी थी भाई, मुझे टीम नंबर याद नहीं आ रहा यार। हाय रचेल ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल है भाई के। मैं नोवा स्पाइडी, अच्छा नोवा स्पाइडी भाई, आपका स्लॉट नंबर कौन सा था अभी पिछले गेम में। मम्मी का अकाउंट है, अरे रे 3rd स्लॉट भाई, टीम नंबर 3 थी। ओके ओके गाइस, शॉटगन का मैच है, मजा आएगा।
गाइस सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, कर लो लूट जल्दी जल्दी। गाइस अब मैं कंट्रोवर्सी करने जा रहा हूँ जी हाँ इस बॉट के साथ। गाइस इस बॉट के साथ मेरी कंट्रोवर्सी हो गई आवाज से। अच्छा ये डबल स्टोरी बंदा है क्या? रुक जाओ यार थोड़े सा, रुकिए जरा। आंख है परी परी और किधर चलना है ब्रो बताओ। भाई कितनी दूर की रेंज है यार इसकी? कद्दू रेंज भाई। किधर क्या है, कुछ है क्या? हेल्थ किट लाया क्या भाई? गाइस ये जो शॉटगन है DBS ड्रॉप में से हटा दी भाई इसको, साला हल्की कर दी इसकी, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में इसके। और नरसंहार चालू है उधर भाई। अरे नहीं ना यार यही तो नहीं करना था। इधर वीशियस के सुबह में एक थ्रोबल ट्राई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, देखते हैं इनका ये थ्रोबल कनेक्ट होता है नहीं होता है। कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ा इनके थ्रोबल से, अभी आगे बढ़ रहे हैं, इनकी HP काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। लेकिन भाई जोन में तो उन बंदों का ना है, तो हम करेंगे इंतज़ार। अरे वेट यार सीट ब्रो वेट। भाई खत्म हो गया क्या वो बंदे? वो घर के पीछे क्या कर रहा है भाई? अरे वाह भैया भाई जोन पकड़ लो। अद्भुत गाइस प्रमोशन हो गया अपना, देखते हैं अब यहाँ से। अनुराग ब्रो क्या हमारी स्ट्रीम पे आने वाले हैं? वर्ल्ड डाटा लिमिट रीच्ड होने के बाद क्या मैं जिंदा हूँ? हो सकता है कि मैं मर गया हो। ये कौन है?
स्नाइपिंग कर दी भाई मेरे टीममेट ने। विनर विनर चिकन डिनर। भाई सीट ब्रो ओपी स्नाइपर, शॉटगन स्नाइपर यूज करते हैं वो। तो गाइस शॉटगन में जो सिक्स एक्स लगाने की सुविधा दी है पबजी वालों ने वो इन्हीं के लिए दी है। वन मोर टाइम वी विल गो एंड डाई। अरे अभी तो चिकन निकाल के आया भैंस की पूंछ। शेर सजी गर्रना किसी का भी डर। ओके ओके सो गाइस फिर से हम प्रमोशन करके आ गए हैं, देखते हैं हम इस बार कोई आता है नहीं आता है हमारी स्ट्रीम पे। और इस बार ऑल वेपन का मैच है। जख्म है हरे भरे और तुम 3x उठाने की बात करते हो। गाइस एक आध हवे में मिल जाओ यार, वही बचपन से फैंटेसी हवे में उतारने की। ओह ये नंबर दो है ना। वो भेंडी चोर तेरी पास का कुत्ता काटू टीपीपी होल्डर सारा। मदन मोहन वाली जख्म है हरे भरे और तुम कितना पबजी खेलता है तू।
गाइस अब आइटम हेवन का मैच है तो आइटम लोग हेवन से मंगा रहे हैं भाई। सीट भाई ओपी है यार गाइस। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना, क्लच कर दिया पोस्ट डिस्कॉर्ड। ओके भाई मैं तो जब आपने क्लच किया था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्लच वो देखना है ना, तब आप एक को निकाल चुके थे भाई। डीपीएस फेल दिया बंदा, मैं 8 गोली लेके जा रहा हूँ गाइस। भेंडी चोर, इसका डीपीएस क्लच हो गया गाइस। पांच बजे कर स्ट्रीम? ना ना, 5 बजे ना हो पाएगी स्ट्रीम। मैंने दोनों किए थे, पहले वाले के बाद आया था मैं शायद आपके एंगल पे। सो गाइस इसी के साथ हम आज की स्ट्रीम करते हैं एंड, मिलते हैं अपनी अगली स्ट्रीम में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खाना खाइए, बत्ती बुझाइए, सोइएगा मत क्योंकि रात को फिर से आएंगे।